मेरा तो है नहीं, जो ठीक। जी सर। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के ऑनलाइन कक्षा की सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वापिस से आ चुके हैं डॉक्टर चक्रधर प्रधान सर के साथ। आपको जैसा ज्ञात होगा सर, पिछली कक्षा में भी हमारे साथ थे, पिछले सप्ताह के, जहां हम लोगों ने हिंदी साहित्य और काव्य के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। चूंकि वो विषय कुछ अपने आप में इतना लंबा था कि उसमें समय भी नहीं हो पाया, और सर के आज्ञा अनुसार, सर की सहमति और सर के समय देने के कारण आज ये फिर से मुमकिन हो पाया है कि हम वापिस से जहां अपने विषय को हम लोग पिछली कक्षा में छोड़ के गए थे, वहां से आगे बढ़ाए। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, सर का स्वागत करता हूँ अपना समय देने के लिए और पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में हमें कुछ सिखाने के लिए। सर का धन्यवाद देता हूँ। तो आज की कक्षा को आरंभ करने के लिए मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। और आज का जो हमारा विषय है भक्ति साहित्य पर, भक्ति काल के जो साहित्य है, पिछली कक्षा में जैसे आपको ज्ञात होगा हम लोगों ने आदिकाल या आदिकाल के काव्यों को विस्तृत रूप से चर्चा की थी, लेकिन चूंकि समय की कमी थी तो हम लोग भक्ति काल या रीति काल पे नहीं बढ़ पाए थे। तो इसलिए आज की कक्षा को मैंने निर्धारित सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल को पे किया है, ताकि हमें पूरा समय मिल सके और हम भक्ति काल को पूरी अच्छे स्पष्ट रूप में समझ सके। तो मैं सर का बहुत स्वागत और सर से निवेदन करता हूँ कि आज की कक्षा का आरंभ करें। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय कुलपति महोदय और मेरे समन्वयक भाई अभिषेक जी, इस प्रकार के कार्यक्रम के पुरोधा हैं अभिषेक। इन्होंने शुरुआत की, इसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाई किस प्रकार करते हैं मैं नहीं जानता था। मुझे इन्होंने सिखा दिया और मेरे उत्साह बढ़ाया। विश्वविद्यालय के मुक्त प्रांगण में मेरे उड़ीसा के तमाम विद्यार्थियों, आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, आपको असीम मंगल कामना, असीम शुभकामना अर्पित करते हुए जो विषय है भक्तिकालीन साहित्य, उस पर कुछ सरल रूप से जितना मुझसे हो सका और जितना अध्ययन है मेरा, उसी के अनुरूप आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। पिछली कक्षा में विषय बहुत लंबा था, विस्तार विषय था, इसलिए उसमें हम लोग नहीं डूब सके। मैंने अनुरोध किया था कुलपति महोदय, समन्वयक जी, दोनों ने इसे स्वीकार कर फिर एक विषय दिया है, मध्य भक्तिकालीन साहित्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि मैं पिछली कक्षा में थोड़ा बोल गया था कि संबलपुर क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, ये करते हैं, क्योंकि ये मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर में ही है। उसका मुख्य जो कार्यालय है, मुख्य जो कार्यालय है, वो संबलपुर जीएम कॉलेज में है, जीएम विश्वविद्यालय में। इसलिए थोड़ा सा मुझे भ्रम हो गया था। मैं क्षमा चाहते हुए ये कहना चाहता हूं कि कुलपति महोदय ने मुझे सूचना दी कि उड़ीसा के कोने कोने से विद्यार्थी इसमें है, तो मैं क्षत्रियता का कभी समर्थक नहीं हूं। अखंड उड़ीसा या अखंड भारतीयता जिसे कहते हैं, उसका समर्थन में मैं आज तक कार्य कर रहा हूं। इसलिए मैं एक बार, मेरी उस जो मानसिकता तो नहीं थी, किंतु वहां के विद्यार्थी होंगे ऐसी एक धारणा थी, उस धारणा को परिहार करते हुए तमाम उड़ीसा के कोने कोने से विद्यार्थी जो सुन रहे हैं मुझे, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। भूमिका बहुत बांधेंगे तो विषय में नहीं डूब पाएंगे। इसीलिए आइए, भक्तिकालीन साहित्य में डूबने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पहले मैं एक डूबने की बात कहता हूं और आपको थोड़ा हल्का कर रहा हूं। बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस रति राग रंग, अनबूढ़े बूढ़े बूढ़े सो तीरे सब अंग। यानी कि इसका विस्तार अर्थ नहीं कह रहा हूं,
कला साहित्य संगीत में डूबने वाले ही उबर जाते हैं, आधे डूबने वाले डूब जाते हैं। इसका एक तात्पर्य यह है कि आइए साहित्य की इस महासागर में हम डूबें, भक्ति रस में स्नान करें, भक्ति साहित्य का अवगाहन करें, जिसकी जरूरत और सबसे ज्यादा जरूरत आज है, आज इस तालाबंदी के समय, इस प्रतिकूलता में भक्ति में डूबने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भक्तिकालीन साहित्य पर जितना परिचयात्मक, जितना गहराई, जितना भी हम लोगों से हो सका, आप लोगों को उसमें डुबकी लगाने का मैं काम करूंगा, स्वयं डूबूंगा और आप लोगों को डुबाऊंगा। भक्तिकालीन साहित्य जो आप लोगों के MSDA और BASD, MSD और BASD के BASD के पाठ्यक्रम में हैं, और भारतवर्ष के सभी हिंदी पढ़ने वाले BA और MA के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भक्ति साहित्य है। भक्ति साहित्य को हटाना भारतीयता को हटा देना है, इसीलिए जब तक धरती रहेगी हम लोग रहेंगे, मनुष्यता रहेगी, भक्ति साहित्य एक विषय रहेगा, उसका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का क्रम कभी नहीं टूटेगा। इसी विश्वास के साथ मैं रामचरितमानस से शुरू करता हूं। देखिएगा कैसे भक्ति क्या है। जैसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आ सकता है, ये भक्तिकालीन साहित्य है या भक्तिकालीन काव्य है? मित्रों, इसका समाधान यह है कि जिस काल में, मध्यकाल का पूर्व भाग, जिसको जिसका दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल भी है, और जिसका समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, यानी कि 14वीं जो शताब्दी है उसके मध्य भाग से 17वीं शताब्दी के मध्य भाग तक जो काल व्याप्त है, उसी के भीतर साहित्य शब्द तब काव्य शब्द का पर्याय था, काव्य ही लिखा जाता था। सब पद्यात्मक थे, सब गेय थे, सब गीत संगीत दोहे छंद इसमें थे, यही काव्य था। इसलिए इसके लिए दो ही पर्याय आते हैं, भक्ति साहित्य और भक्ति काव्य। आप अगर कहेंगे भक्तिकालीन काव्य तो भी सही है, आप कहेंगे भक्तिकालीन साहित्य तो भी सही है, शब्दों का हेर फेर है, भाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। रामचरितमानस का एक श्लोक याद आ रहा है, वो भगवान शिव और पार्वती का एक साथ उसमें वंदना है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं इसको केवल शिव और पार्वती वंदना तक सीमित नहीं करता हूं, इसमें ऐसे एक पद है जो भक्ति साहित्य को परखने के लिए अनिवार्य है, इसका पद है श्रद्धा विश्वास। मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, श्रद्धा और विश्वास का रूप भक्ति है। श्रद्धा और विश्वास नहीं मिलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन याद आ रहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, प्रेम विश्वास है। अविश्वास जहां है वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं हो सकता। इसीलिए तुलसीदास ने जिसे श्रद्धा विश्वास रूप कहकर भक्ति की ओर इशारा किया था, रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है कहकर के उसका अनुसरण किया। यही भक्ति है, भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग है। इसी क्रम में कहना चाहता हूं, आपके प्रति मेरी श्रद्धा,
पढ़ने पढ़ाने के प्रति मेरा प्रेम यही मेरी भक्ति है। तो इस संदर्भ में भक्तिकालीन साहित्य में हम देखेंगे, संपूर्ण भक्तिकाल के साहित्य में श्रद्धा और विश्वास रूपिणी भक्ति का प्रावल्य है। श्रद्धा और प्रेम के मिश्रित भक्ति का योग है। भक्तिकालीन साहित्य इस योग का महासागर है। भक्तिकालीन साहित्य को हम किसी एक कवि को पढ़ेंगे तो तीर जाएंगे, यही विश्वास है। इसके आगे थोड़ा सा और विस्तार करना चाहता हूं। यह भक्तिकाल किस प्रकार हमारे सामने आया, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल के प्रेरक बिंदु कौन कौन थे, उसका उपजीव्य का क्या था, उसकी भूमिका क्या थी, कह देना चाहता हूं। एक श्लोक जिसे बा एक दोहा शांति निकेतन में मेरे गुरु सियाराम तिवारी ने मुझे कंठस्थ करवाया था भक्तिकालीन साहित्य के संदर्भ में, वह है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त दीप नवखंड। यानी कि भक्ति का उत्पन्न दक्षिण प्रदेश में हुआ था, द्रविड़ प्रदेश में हुआ था, दक्षिण में हुआ था, और रामानंद उसे लाकर उत्तर भारत आए और कबीर के हाथों वह पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार हो गई। यह भक्ति का सर्वभारतीय स्वरूप है, किंतु मैं उस स्वरूप के एक अंग हिंदी के भक्ति साहित्य, हिंदी साहित्य में जो भक्तिकालीन साहित्य है उस पर विशेष ध्यान दूंगा। भक्तिकाल एक और भागवत धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चला, दूसरी ओर उसके केंद्र बिंदु में भक्ति आंदोलन रही, लोक भाषा में काव्य लिखने की बा अपनी अनुभूति को प्रचारित करने की प्रवृत्ति रही, और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भक्तों के हृदय से, भक्तों की वाणियों से होती रही। इन सब को लेकर हिंदी का भक्ति साहित्य समृद्ध है। यानी कि भागवत, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत कहते हैं, वो भक्ति का एक स्रोत ग्रंथ रहा है, किंतु केवल वह नहीं, वेद वेदांग उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ बौद्ध जैन नाथ सिद्ध योग आदि मार्ग, यानी कि उस समय के सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव लेते हुए भक्ति साहित्य हिंदी में समृद्ध हुआ। भक्ति साहित्य की स्थितियों की चर्चा करते हुए हम लोग देख लेंगे कि भक्ति साहित्य राजनीतिक स्थिति की दृष्टि से पठानों, मुगलों और तुगलक जैसे बादशाहों के आधिपत्य का प्रभाव विस्तार से समृद्ध हुआ। जहां भक्तिकाल में अकबर, शाहजहां, दारा सिकोह जैसे बादशाह हुए, जिनके भीतर धार्मिक सहिष्णुता थी, कलात्मक ऊर्जा थी, कला संस्कृति के रक्षक के रूप में ये सामने आए। सामाजिक दृष्टि से मुस्लिम समाज का प्रभाव, जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू के जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, हिंदू नारियों पर अत्याचार बलात्कार या अधिकार कहिए, हिंदू में जो बहुविवाह छुआछूत का भेदभाव, ये सब सामाजिक दृष्टि से इसी काल के ऊपर था प्रभाव। सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल की धार्मिक भावना जिसका बृहत्तर रूप संपूर्ण भारतवर्ष को प्रभावित कर सका है, बृहत्तर धार्मिक भावना, इसकी दार्शनिक चिंताधारा, कला साहित्य संगीत का उत्थान और सर्वोपरि भक्ति आंदोलन का सर्व भारतीय स्वरूप से
हिंदी साहित्य में भक्ति काल का विपुल भंडार समृद्ध हुआ। यह हिंदी का भक्ति साहित्य है। आप देखिए कितना विशाल है, कितना समृद्ध भक्ति साहित्य है। ये साहित्य इसकी प्रेरणा है। इसकी एक एक बिंदु को अगर हम लोग खंगालेंगे, व्याख्या करेंगे, तो एक एक बिंदु में घंटा घंटा समय अतिवाहित हो जाएगा। यानी कि भक्ति साहित्य के लिए जो सामग्री, जो प्रभाव, जो भूमिका का प्रवर्तन करने वाले जो विभिन्न अंग या सोपान धारा थे, वो धाराएं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि दृष्टियों से बहुविध हैं। उन सभी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए हिंदी में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और ये भक्ति आंदोलन केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहा, सर्व भारतीय आंदोलन बन गया। हम लोग उड़ीसा वाले हैं और उड़ीसा के भक्ति आंदोलन जिसे पंचसखा साहित्य कहते हैं, वो उड़ीसा का भक्ति आंदोलन पंचसखा साहित्य था। जो हम पुष्टिमार्ग कहते हैं वो भी एक शाखा है। संत, सूफी, राम, ये सब शाखाएं हैं उसके भीतर आ जाए। और भारत के सभी भाषा साहित्य में एक ही स्वर है, भक्ति, यानी कि श्रद्धा और प्रेम का योग। तो श्रद्धा किस पर, प्रेम किसके साथ? श्रद्धा ईश्वर के साथ, प्रेम ईश्वर के साथ, यानी कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, ईश्वर है, उनके प्रति अपार श्रद्धा और असीम प्रेम, यही भक्ति है। भक्ति काव्य की आत्मा यही है। किसी भी कवि और किसी भी काव्य के भीतर आप प्रवेश करेंगे तो यही दो तत्व पाएंगे उसमें अलग अलग से। मैं बंगाल में भी रह रहा हूं और रामकृष्ण परमहंस को याद नहीं करते मैं रह नहीं पा रहा हूं। परमहंस रामकृष्ण ने कहा है, जतो पथ ततो मत, ये उनका सार है। यानी कि जितना मत मतांतर होंगे, भक्ति की उतनी शाखाएं होंगी। यानी कि हिंदी भक्ति साहित्य में जो शाखाएं, जो धाराएं बही हैं, प्रवाहित हुई हैं, वो मत मतांतर के कारण है, विभिन्न मतों के समन्वय के कारण है। नहीं तो वही एक है, वही एक है, वो ईश्वर है। सूफियों के लिए जो ईश्वर है, संतों के लिए भी वही ईश्वर है। राम भी वही, कृष्ण भी वही, सभी वही है। तो भक्ति काव्य के मूल जो है वह श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, इसी का समाहार है। तो सामाजिक चेतना की दृष्टि से, सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से भक्ति काल सबसे समृद्ध और सबसे व्यापकता को ग्रहण करते हुए आगे विकसित हुआ है। तो उसकी सांस्कृतिक संपन्नता, सांस्कृतिक संपन्नता, उसकी साहित्यिक संपन्नता, उसकी संगीत चेतना, उसकी कला चेतना, है ना, आदि, यानी कला, साहित्य, संगीत का प्रभाव भक्ति काल में है। मैं थोड़ी सी चर्चा में कर देता हूं। देखिए, संगीत के बारे में कह देता हूं, भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य गायन है। भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य गीत है, संगीत है। कैसे? इसीलिए कि ये तो सब भावुक थे, भक्त थे। भक्ति काव्य भक्तों का काव्य, भक्ति काव्य है। तो ये भक्त अपने अनुभूति से, अपने भावना से वशीभूत होकर के जो गान करते थे, वही उनका काव्य बन जाता था। इसमें कई निरक्षर थे, कई निरक्षर थे जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। कईयों ने तो ये कहा कि हम लिखा भी नहीं, हमने लिखा भी नहीं है, जो है कह दिया। तो इस प्रकार इसी भक्ति की मूल चेतना को लेकर भक्ति काव्य विस्तृत है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा सरल करने के लिए आइए आप इनकी विभिन्न जो शाखाएं हैं, विभिन्न विभाजन हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर जब प्रश्न होगा उसमें जो छूट गया होगा, प्रश्न के आकार से हम लोग उसकी चर्चा भी कर लेंगे। इस विपुल साहित्य राशि को विद्वानों ने
समझने के लिए विभिन्न मार्गों में, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न शाखाओं में विभाजन किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार मानकर उसका दो मार्ग निर्माण किया, एक है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। ये मार्ग है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, उसे शाखा शब्द किया है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। उसके बाद कई विद्वानों ने, हिंदी साहित्य रचने वाले कई विद्वानों ने उपासना भेद को आधार मान करके, उपासना भेद को आधार मान करके निर्गुण और सगुण इन दो भागों में भाग किया है। जहां निर्गुण में ब्रह्मानुभूति की प्रधानता है, परमात्मा चेतना है, और सगुण में लीला अनुभूति, लीला गायन की प्रवृत्ति है। इसलिए निर्गुण और सगुण, निर्गुण, इसी निर्गुण को, निर्गुण में संत भी आते हैं, निर्गुण में सुखी भी आते हैं, किंतु प्रेम मार्गी है, सुफी शाखा, ऐसा विभाजन किया है। और सगुण जो है लीला धारी अवतारवाद को ग्रहण करते हुए राम और कृष्ण की लीलाएं गाई हैं, इसीलिए उन भक्तों की वाणियों को राम काव्य और कृष्ण काव्य, ऐसे दो भागों में विभाजन किया है। यानी कि विभाजन सिर्फ उसको समझने के लिए नहीं, तो भक्ति एक है, भक्ति काव्य अखंड है, जैसे भारतवर्ष अखंड है। हम अपनी भाषा, संस्कृति, विविधता के लिए हम विभिन्न प्रदेशों में बटे हुए हैं। ये नहीं, विश्व मानव एक है, मनुष्य में मानव जो है सारे विश्व में एक है। अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा आदि को लेकर विभाजित हुए हैं, फिर भी उसी विभाजन में हम एक हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है, सारा वसुधा एक कुटुंब है। ठीक उसी प्रकार ये जो भक्ति साहित्य है वो एक है, भक्ति साहित्य अखंड है। कबीर का साहित्य व कबीर का काव्य भी भक्ति साहित्य है, जैसी का काव्य भी भक्ति साहित्य है, किंतु उसको समझने के लिए उसमें क्या विशिष्ट बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो उनको थोड़ा सा अलग कर रहा है, उसके लिए उसको विभाजन किया गया है। तो इन प्रवृत्तियों, इन विभाजनों के माध्यम से, इन वर्गीकरणों के माध्यम से हम भक्ति काव्य में अवगाहन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसे ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले ज्ञान मार्गी कहलाए, चाहे उसे आप भक्त कहें, चाहे उसे आप संत कहें, उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। और अब बताइए, ज्ञान के बिना क्या है? ज्ञान के बिना तो कुछ ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है। प्रेम भी नहीं हो सकता है ज्ञान के बिना, यानी कि प्रेम करने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। किसी वस्तु के प्रति, किसी जीव के प्रति, किसी चीज के प्रति अगर हम प्रेम करेंगे तो उसका ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान से प्रेम भी नहीं होता है, इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है। किंतु फिर तब प्रश्न आएगा, तो प्रेम तो यहां कमतर हो गया? नहीं नहीं, प्रेम में भी ज्ञान है, ज्ञान में भी प्रेम है। तुलसीदास के की पंक्तियां याद आ रही हैं, ज्ञान ही प्रेम ही नहीं कछु भेदा, और उसी को फिर रिपीट करते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण सगुण में, ज्ञान प्रेम में कोई भेद नहीं है। भेद जो है बाहरी है, दिखाई पड़ता है, भेद भीतर में एक है। तो हिंदी साहित्य में, हिंदी के भक्ति साहित्य में जो विपुल साहित्य हम लोगों के पास आज विद्यमान है, उसका एक प्रमुख शाखा ज्ञान मार्गी शाखा है, जिसका दूसरा नाम संत काव्य या संत साहित्य है। अब यहां प्रश्न उठता है, सर संत कौन है? संत कौन है? जो शैमित व्यक्तित्व है संत है।
जो साधु चरित्र के व्यक्तित्व है संत है, जो समाज के भीतर रहकर समाज के बंधनों से मुक्त हैं, संयमित हैं, उस साधु है, वही संत है। संत की बहुत बड़ी व्याख्या है, जो मनसा वाचा कर्मणां सबका हित करने वाला हो और चाहने वाला हो वही संत है, जो समाज की तमाम बुराइयों को देख करके उससे समाज के लोगों को जनताओं को सावधान करता रहता है वही संत है। संत साहित्य में ये प्रवृत्ति आप लोग पाएंगे। तो संत काव्य जहां ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या है कि हमें जानकारी होगी सत्य असत्य का ज्ञान, क्या सच है क्या असत्य है, कहां अंधकार है कहां आलोक है, इसका परीक्षण ज्ञान है। और यही ज्ञान है जिसके माध्यम से हम आत्मा से परमात्मा तक गति करते हैं, यानी कि संत साहित्य का जो ज्ञान है वो परमात्मा संबंधित ज्ञान है, वो मनुष्यता संबंधित ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंधी ज्ञान है और परमात्मा प्राप्ति का एक मार्ग है, वही मार्ग ज्ञान मार्ग है। उसी मार्ग को अपनाते हुए संतों ने अपनी वाणियों का विस्तार किया है, अपनी अनुभूतियों को वाणी दी है। जैसे उन संतों में कई नाम आपके पास, आपके सिलेबस में आपके आएंगे, जिसमें रामानंद हैं, कबीरदास हैं, रैदास हैं, नानक, हरिदास, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास और रज्जब। और इसके साथ साथ कई नारियां भी हैं जो संतिनी हैं, नारी संत हैं, जो कबीर की शिष्या, सहजो भाई आदि, इनके एक लंबा लिस्ट है। किंतु प्रमुख रूप से ये संत कवि हिंदी में प्रख्यात हैं। तो इनकी वाणियां क्या हैं? इनकी वाणियां अनुभूति जन्य काव्य है, अनुभूति से जन्म लेने वाली वाणी, इनकी अनुभूति ही इनका, इनकी कविता है, इनका साहित्य है। तो रामानंद से लेकर, कबीरदास से लेकर, रैदास से, सबने क्या दिया? जो आत्मज्ञान पाया, जो आत्मानुभूति उनको हुई अपनी वाणियों के माध्यम से हमारे सामने पुरुष दिया है, यही वाणी है, संतों की वाणी है। और संतों की वाणी कैसे? वो भी संगीत के माध्यम से, पदों के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, जिसको साखी शब्द के रूप में हम लोग पाते हैं, यही संत की वाणी है। संत वाणी के डिक्टेटर थे, जो आता था उसको कहते थे, बिना हिचक कह देते थे, सामाजिक गड़बड़ियों को देख करके बेहिचक उस पर प्रहार करते थे, सत्य को कहने के लिए कभी वो थर्राते नहीं थे, उनकी वाणी कभी थर्राती नहीं, कभी रुकी नहीं, सत्य वचन को वे लोग सीधे सीधे कह दिए हैं, डिक्टेट कर दिए हैं, बोल दिए हैं, वो कविता बन गई। ऐसे वाणी के डिक्टेटर कबीरदास तो है ही, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कह दिया। कबीरदास ही नहीं, अन्य संत भी अपने अपने स्तर पर वाणी के डिक्टेटर ही थे, उन्होंने बहुत अध्ययन नहीं किया, स्वानुभूति से और तीर्थाटन से, देशाटन से, परिभ्रमण से, परिव्राजक संस्कृति से जो आत्मज्ञान मिला उसी को अपनी वाणियों के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। उसे हम कबीर वाणी कहें, रज्जब वाणी कहें, नानक वाणी कहें, कुछ भी कहें, उनके ग्रंथ हमारे सामने हैं। थोड़ा सा प्रवृत्ति भेद की दृष्टि से इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका स्वाद चखा रहा हूं। इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? देखो, पाठ्य पुस्तकों में लिखी जाती है गुरु की महिमा, ज्ञान की महिमा आदि आदि, किंतु हम थोड़ा सा इसको गहराई से देखें तो इसकी पहली प्रवृत्ति जो होगी क्या है, यह काव्य की जो मूल विशेषता है, ये दूसरे काव्य से अपने को थोड़ा सा अंतर करता है, तो उसका पहली विशेषता है अनुभूति प्रमणजन्य काव्य।
यानी कि इसमें अनुभूति की प्रवणता है, ऐसी अनुभूति जो भाव प्रवणता प्रवणता का सहारा लेकर कविता अपने आप बन गई है। आप कबीर की वाणियों को देखिए, आप प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी क्या बोलते हैं, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। ये वाणियां सब सहज है और अनुभव गम्य है। और इन वाणियों की खास बात क्या है, संतों की वाणियों का जो संत का साहित्य है उसमें खास बात है, मानव मात्र का हित साधन, उसमें कोई भेद नहीं है कि राजा है कि रंग है, नारी है कि पुरुष है, मुस्लिम है या हिंदू है, इसमें कोई भेद नहीं, मानव मात्र के प्रति हित साधन इन वाणियों की विशेषता है। संतों की वाणियों में कैसे मानव समाज का हित होगा, मानव कैसे परमात्मा प्राप्ति कर पाएगा, मानव में एकता कैसे रहेगी, इन सब के प्रति बल है। उदाहरण आप ढूंढ लीजिएगा, मैं उदाहरण देकर लंबा नहीं करना चाहता हूं, है ना, इसलिए केवल प्रेम की बात मैं कह, आप लोग सब जानते हैं प्रेम के बारे में कहते हैं, देखिए प्रेम हो जाएगा सब मिल जाएगा, प्रेम से सब कुछ प्राप्त है। कबीरदास इसलिए कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोबा, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सो पंडित, ढाई अक्षर पढ़ना है हमको, प्रेम का पढ़ना है, प्रेम के पाठ से हम पंडित बन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसी माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, मानव हित किसमें है, मानव हित संयम में है, और संयम संयम किससे है, संयम पर बल देते हुए उन्होंने योग की बात की, योग साधना की बात की, इंद्रिय निग्रह की बात की, क्योंकि ये संयम नहीं आएगा तो फिर मनुष्यता का उद्धार नहीं होगा। संयम क्या है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है, अगर हम आज भी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं संयम खोज देंगे तो परिस्थिति बिकट हो जाएगी, हम जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस समय क्या, कबीरदास आदि संतों की लड़ाई या संतों का संघर्ष किसके था, कि संघर्ष क्या था, नहीं, परमात्मा के साथ प्रेम संबंध, परमात्मा प्राप्ति का संघर्ष था, हम परमात्मा तक पहुंचेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, इसके लिए हमें इंद्रिय संयम की आवश्यकता है, संयमित जीवन की आवश्यकता है, संयम पूर्वक रहने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने योग मार्ग को अपनाया और समाज में अपनी वाणियों को फैलाया। दूसरी बात जो संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो है युगबोध, युगबोध युग का ज्ञान। ऐसे तो किसी भी कवि को अगर युगबोध नहीं हो तो कविता नहीं, वो कविता प्रासंगिक नहीं होगी, वो साहित्य प्रासंगिकता खो देगा। इसलिए संत काव्य की जो बहुत बड़ी प्रवृत्ति है वो है युग बोध, अपने युग का बोध, अपने युग के उत्थान पतन, अपने युग की विशेषताएं, खामियां कमियां सबका ज्ञान, और उस कमियों का निदान भी उनके काव्य में, उनके साहित्य में पाए जाते हैं। और देखिए एक साधारण सी बात है, अपनी गलती हमें नहीं दिखती है, अपनी गड़बड़ी हमें नहीं दिखती है, हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं, दूसरे की आंखों से हम अपनी आंखें देख सकते हैं। कबीर की पंक्ति में उधार ले रहा हूं, कबीर ने कहा है अपनी वाणी में, बुरा ढूंढने में चला तो बुरा मिलिया ना कोई, जब दिल ढूंढा अपना मुस्सा बुरा ना हो। देखिए यानी कि ये क्या है कि संसार में युग में बुरा ढूंढेंगे, कौन बुरा है ना है, किंतु उनको नहीं मिले, अपने हृदय में जो बुराई है, अपने भीतर जो ढूंढे, यानी कि कहने का सारांश यह है, अभिप्राय मेरा यह है कि आत्मबोध का साहित्य है वही आत्मबोध, आत्मज्ञान, युग ज्ञान है, युग बोध है,
जो हम हैं वही युग है। हमारे भीतर जैसी गड़बड़ियां हैं हमारे सामने वैसी गड़बड़ियां हैं। अगर हमारे भीतर मतानता, धार्मिक कट्टरता, बुराइयां, सामाजिक धार्मिक बुराइयां हमारे भीतर है तो समाज में वह दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए इसलिए उन बुराइयों से हमें स्वयं को उबारना है और समाज को भी उबारना है। यानी कि संत काव्य का युगबोध क्या है कि उसमें जो धार्मिक पाखंडता है, धार्मिक कट्टरता है, बाह्य आडंबर है, उस पर प्रहार है। क्योंकि उस समय बाह्य आडंबर का बोलबाला था हिंदू धर्म भी और मुस्लिम में भी। इसलिए उस आडंबरों को निकालना, उस पाखंडों को निकालना बहुत आवश्यक था, जो आज भी है, और उसे उसी आवश्यकता की पूर्ति होगी और उस पाखंड से हम उभरेंगे, ऊपर जाएंगे, तब हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते। युगबोध में और एक बात है कि समाज में जो जाति पाति का भेदभाव, समाज में बड़े छोटे का भेदभाव, जो वर्ण को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर था, उस भेदभाव को निकालना, उस भेदभाव को मुख्यतः जाति पाति का भेदभाव निकालना, ये उनका युगबोध था। और उनके साहित्य इसी को लेकर आज भी प्रासंगिक है। अपने समय में तो यह एक बहुत बड़ा स्वर था, भक्ति आंदोलन बन गया। इसके बाद भाषिक दृष्टि से अगर देखें, भाषा की दृष्टि से, तो संत साहित्य जनभाषा का साहित्य है। संत लोग उत्तर प्रदेश से लेकर, पंजाब से लेकर राजस्थान तक विस्तृत थे और वे लोग क्या करते थे, घूम घूम पर अपनी वाणियों का प्रचार करते थे, प्रसार करते थे। अतः उनकी वाणियों में इन प्रदेशों का, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी, इन सभी साहित्यों का, सभी भाषाओं का प्रभाव रहा है। एक मिश्रित भाषा है, जनभाषा है। इस प्रकार संत साहित्य अपने आप में समृद्ध है, संत साहित्य की प्रासंगिकता है। अपनी साहित्यिक प्रवृत्ति के दृष्टि से छंद, भाषा और समाज चेतना, युगबोध की दृष्टि से संत साहित्य बहुत समृद्ध। इस प्रकार और एक शाखा है जिसको हम प्रेम मार्गी साहित्य कहते हैं, प्रेम मार्गी सूफी शाखा, जिसको कहते हैं प्रेमाख्यान काव्य। इसका भी एक समृद्ध, इसकी एक धारा प्रवाहित हुई है हिंदी में, जिसमें अपने सिद्धांत और विचार को लेकर बातें की गई हैं और उस काव्य में सैद्धांतिक पक्ष और वैचारिक पक्ष को भी स्वर दिया गया है। जैसे सूफी काव्य, सूफी शब्द का अर्थ है साफा, सूफी शब्द का अर्थ है शुद्धता, सूफी शब्द का अर्थ है एक विशेष मुस्लिम फकीर जो अपनी फकीरी का बोलबाला लेकर समाज में प्रतिष्ठित थे। सूफ को कहते हैं जो फटकन, सूफ से सूफी बनी है, फटकन है, सार सार को गही रही, तोथा देही उड़ा है। तो ये जो सूफ है उसमें शुद्धता की बात करती है, जो चारित्रिक दृष्टि से शुद्ध है पथे वो सूफी कहलाते थे। जो साफा पहनते थे, लंबा लंबा सफेद कपड़ा का लंबा लंबा कुर्ता, साफा कहते हैं। साफा कहने कर जो चबूतरे के सामने बैठ करके अल्लाह यानी परवरदिगार की आराधना करते थे, उसको सूफी कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अपने चरित्र के माध्यम से उस परवरदिगार तक पहुंचना, अपने प्रेम के माध्यम से उस अल्लाह को, परवरदिगार को पाना सूफियों का ध्येय था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, भारतीय प्रेम आख्यानों का अनुसरण करते हुए, मैं यहां कह देना चाहता हूं, भारतवर्ष का जो साहित्य है, संस्कृत का साहित्य और प्रांतीय भाषाओं का साहित्य, उसमें प्रचुर प्रेम आख्यान है। प्रेम आख्यान जो नल दमयंती कथा से शुरू करके माधव नल काम कंदला,
मृगावती आदि कितने बति, पद्मावती, विद्यावती, सब सभी साहित्य में, उड़िया साहित्य में, बंगला सभी साहित्य में, विशेष करके संस्कृत के साहित्य में प्रेम आख्यानों का भरमार है। सत्यवती कथा हो, चाहे आपके जो नल दमयंती की कथा हो, चाहे दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा हो, यानी प्रेम को लेकर, किंतु दुष्यंत शकुंतला का थोड़ा सा यहाँ उल्लेख करना अप्रासंगिक हुआ, नल दमयंती थी और एक कथा जो थी बृहत कथा, यानी कथा कहने की जो परंपरा थी, प्रेम कथा की जो परंपरा थी, उस परंपरा का को ग्रहण करते हुए सूफियों ने एक शैली अपनाई और अपने सिद्धांत और विचार को लेकर प्रेम कथा का आख्यान किया, प्रेम कथा का वर्णन किया, वही प्रेमाख्यान, वही प्रेमाख्यान काव्य कहलाया। जैसे मैं सैद्धांतिक तौर पर थोड़ी सूफी जो धर्म है उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं कर लेता हूं, समय मेरे पास है। तो जैसा है सूफी साहित्य में व सूफी सिद्धांत में चार स्तर की बात की जाती है, चार सोपान, यानी कि परवरदिगार को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए उन लोगों ने चार सोपान निर्धारित किया है। क्या है उसे कहा जाता है शरीयत, मार्फत, तरीकत और हकीकत। शरीयत पहला सोपान है, मार्फत दूसरा सोपान है, जहां गुरु की प्राप्ति होती है, जहां कोई पैगाम देने वाला होता है, कोई मार्गदर्शक रहता है। तरीकत संघर्ष का मार्ग है, संघर्ष करता है, और हकीकत प्राप्ति है, प्राप्ति का सोपान है, अंत में उसको पद्मावत, पद्मावती का के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर के दर्शन। कहना है कि ये जो सैद्धांतिक विषय है, ये जो विचार है, इस विचारों को प्रेमाख्यान के माध्यम से कम जायसी ने चरितार्थ किया है अपने पद्मावत में। यानी कि देखिए, यहां मैं कह देना चाहता हूं, शरीयत कौन है, यहां रतन सेन, रतन सेन को किसी ने कहा कि ये पद्मावती अनिंद्य सुंदरी है। उसका मार्फत कौन है, मार्गदर्शक हीरामन तोता। उसका तरीकत क्या है, उसने संघर्ष किया, सिंहलगढ़ तक संघर्ष किया, साधु बन गया, और अंत में उस हकीकत से उसका परिचय हुआ जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जो परवरदिगार है, जो अल्लाह है, यही मार्ग है। तो इसी को लेकर हिंदी का प्रेमाख्यान आगे बढ़ा है, और यहां ईश्वर नारियों को माना गया है, राजकुमारियों को ईश्वर बनाया गया है, राजकुमारियों में खुदा के दर्शन पाए गए हैं, जैसे पद्मावती, मृगावती, हंसावली, मधुमालती आदि। तो इस पंथ में बहुत से कवि हुए, और ये कवि सूफी प्रेमाख्यानक कवि के, एक काव्य के कवि हुए, इनका नाम आप लोग जानते भी हैं, फिर भी कुतुबन मृगावती जिसका काव्य है, मुल्ला दाऊद का चंदायन, जैसी का पद्मावत, मंझन का काव्य मधुमालती, उस्मान की चित्रावली आदि प्रसिद्ध है। ये सब महाकाव्य है, ये सब प्रेमाख्यानक काव्य है, और इन प्रेमाख्यानक में इतनी विशेषता है जो भारतीय प्रेमाख्यान से प्रभावित होते हुए अपने सिद्धांत को इसमें दिया गया है। प्रेम के माध्यम से परवरदिगार की प्राप्ति, यह उनका सिद्धांत है। जहां संतों ने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की बात कही, वहां इन सूफियों ने प्रेम के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की बात कही है, और उसको दिखाया है अपने आख्यान के माध्यम से, अपने प्रबंध काव्य के माध्यम से। तो ये हिंदी का सूफी काव्य है, इसकी विशेषताएं बहुविध है,
और आगे के साहित्य को प्रभावित करने वाली विशेषता है। हिंदी का दूसरा महाकाव्य कहा जाने वाला पद्मावत ने आगे रामचरित मानस जैसे काव्य को प्रभावित कर दिया। और ये जो पद्मावत की प्रवृत्तियां हैं, ये समग्र सूफी काव्य की प्रवृत्तियां हैं, सूफी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। जैसे देखिए, संत काव्य में किसकी महत्ता थी? ज्ञान की महत्ता थी। ज्ञान सर्वोपरि है। सूफी काव्य में उसके बदले क्या है? प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम के बिना कुछ नहीं। प्रेम का वर्णन, और प्रेम कैसा? लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का संधान, यह सूफी काव्य की विशेषता है। सूफी काव्य के जो प्रेम के नायक नायिका हैं, वो किसी राजकुमार राजकुमारी, राजा राजकुमारी आदि है, किंतु उनका प्रेम लौकिक कहलाते हुए अलौकिक है। वो सब प्रतीक है, प्रतीकात्मकता है, जिसको समासोक्ति भी कहा जाता है। केवल प्रतीक है यह। तो इसमें प्रेम का वर्णन है, और प्रेम का वर्णन द्विपक्षीय है। इसका एक पक्ष मिलन की ओर है और दूसरा पक्ष विरह की ओर है। यानी कि श्रृंगार रस में जो रति या प्रेम को हम देखते हैं, उसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन और वियोग श्रृंगार का वर्णन है, किंतु सबसे बढ़कर प्रेमाख्यान काव्य में वियोग श्रृंगार का वर्णन यानी कि विरह वर्णन अपने चरम पर है। बारहमासा के माध्यम से, ऋतु वर्णन के माध्यम से, नागमति के माध्यम से विरह को चरितार्थ कर दिया गया है। और विरह नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, इसको भी आगे दिखाया है, आगे बढ़ाया। महाकाव्यात्मकता की जो प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में बहुत बढ़ चढ़कर बोलती है, पद्मावत उसका एकमात्र उदाहरण है। पद्मावत, मधुमालती का मंजन कर की मधुमालती, चित्रावली, चंदायन, ये सब महाकाव्यात्मकता के प्रबंध काव्य है। इसमें कथा की वर्णना है, वस्तु वर्णना है, चरित्र चित्रण है, सौंदर्य चित्रण है, प्रेम का वर्णन है, पशु पक्षियों को भी इसमें चरित्र बनाया गया है, मानवीय चरित्र है, पशु पक्षी के चरित्र है, और उस समय के लोक जीवन के साथ तादात्म्य है, लोक संपृक्ति की इसकी विशिष्टता है। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, पूर्वी अवधि का प्रयोग, और पूर्वी अवधि के प्रयोग से इन्होंने आगे के साहित्य को अवधि का व्यवहार अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। और इसी प्रकार छंद, अलंकार, रस आदि की दृष्टि से यह काव्य बहुत समृद्ध है। इसके बाद हम उपासना भेद की दृष्टि से जिसको निर्गुण और सगुण कहते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए बहुत नहीं करनी है कि ये सब आप लोग जानते हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य से कौन परिचित नहीं है, फिर भी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रस दिलाऊंगा, आप लोगों को बांधने की चेष्टा कर रहा हूं। जैसे निर्गुण, निर्गुण में क्या है? ब्रह्मानुभूति है, परब्रह्म चराचर में फैला हुआ है, परब्रह्म सर्वत्र है, कण कण में है, ये अनुभूति। पर ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, ये अनुभूति, ये ब्रह्मानुभूति है। सगुण में लीला की अनुभूति है, परमात्मा हमें सिखाने के लिए मानव समाज में प्रेम और मर्यादा की शिक्षा देने के लिए उसने लीला की है, वे रामलीला के माध्यम से और कृष्ण लीला के माध्यम से आज भी हम उससे रूबरू हो रहे हैं, परिचय हो रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य में निर्गुण का परिचय संत और सूफी के माध्यम से किया गया। अब सगुण भक्ति काव्य में दो काव्य शाखाएं, काव्य धाराएं बहुत दूर तक प्रभावित करती है और अपने आप में विशिष्ट है, समृद्ध है, वो है राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य व कृष्ण भक्ति साहित्य।
जैसे कि राम भक्ति साहित्य, यानी कि राम को परब्रह्म मानकर, राम को ईश्वर मानकर, उनके प्रति जो भक्ति निवेदित की गई है उसी से संबंधित साहित्य राम साहित्य है, राम काव्य है। यानी कि राम भक्ति से परिप्लुत साहित्य राम भक्ति साहित्य है। राम भक्ति साहित्य में क्या है, राम के स्वरूप के वर्णन है, राम के निर्गुण सगुण दोनों स्वरूप का वर्णन है, राम भक्ति का वर्णन है और राम के उदात्त चरित्र का वर्णन है, जिस चरित्र को लेकर के आज भी भारतवर्ष गर्व करता है, जिस चरित्र को लेकर के जो टीवी सीरियल बनाया गया है उसने रेकर्ड भी सृष्टि कर दिया है और उसके कलाकार से लेकर उसके निर्देशक अमर हो गए हैं, वही रामचरित्र है। राम भारतीयों के रोम रोम में है, इसलिए हमारे उठने बैठने सब में राम है। राम परब्रह्म है, राम दशरथ के नंदन है, राम रोते विलखते भी हैं और राम इससे परे भी होते हैं। इस प्रकार उनके संपूर्ण स्वरूप का कथन राम काव्य में पाए जाते हैं। निश्चय ही वाल्मीकि कृत रामायण और अन्य अन्य भाषाओं में जो रामायण के अनुवाद हुए और रामायण सृजन किए उसके प्रभाव से हिंदी में राम काव्य का सूत्रपात हुआ है। तुलसीदास पहले कवि नहीं है, तुलसीदास के पहले ईश्वरदास कवि हुए हैं, रामायण कथा उन्होंने लिखी, किंतु तुलसीदास श्रेष्ठ हुए। तुलसीदास के बाद भी कवि हुए हैं किंतु सब छिप गए। तुलसीदास ने राम के चरित्र का ऐसा उदात्त कथन किया और उस उदात्त कथन के माध्यम से ऐसा अनुपम साहित्य की सृष्टि की जिसके बाद राम काव्य के कवि तुलसीदास के बाद छिप गए। तो राम काव्य में जो सगुण उपासना मिलती है वो राम को लेकर है, राम आराध्य है, राम परब्रह्म है, इसमें राम भक्ति का स्वरूप है और इसमें सबसे बड़ी प्रवृत्ति जो है समन्वयवादी प्रवृत्ति है, सबको मिलाकर चलना, सबको मिलाकर एक करना, सब में उस राम को देखना, यही प्रवृत्ति समन्वयवादी प्रवृत्ति कही जाती है। और युगबोध और मूल्यबोध की दृष्टि से सामाजिक मर्यादा का अनुपालन, समाज में मर्यादा कैसे प्रतिष्ठित रहेगी, राम हमारे सामने ऐसे मर्यादा का आदर्श बनकर रहे हैं जिसकी कोई शानी नहीं है, उनके अनुसरण से हमारे जीवन भी आगे बढ़ सकते हैं, तब भी यह प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और युग युग तक रहेगा। तो राम काव्य अपने साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से, राम के चरित्र कथन की दृष्टि से, वैश्विक मानवीयता का संदेश देने की दृष्टि से, विभिन्न काव्य शैलियों की दृष्टि से, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य, गीतावली कवितावली आदि जैसे गीत काव्य, गीतावली और बिना पत्रिका जैसे गीत काव्य, कवितावली जैसे छंद का काव्य रामायण कथा, विभिन्न शैलियों के माध्यम से, सोहर शैली माध्यम से, मंगल काव्य की शैली के माध्यम से, जानकी मंगल पार्वती मंगल आदि, दोहा चौपाई शैली के माध्यम से, सभी शैलियों को ग्रहण करते हुए राम भक्ति काव्य इतना समृद्ध रहा है और उसमें एक भाषा का प्रयोग हुआ है जो तत्कालीन साहित्य की काव्य भाषा थी, वो है अवधि। अवधि को काव्य भाषा बनाने का जो श्रेयस्कर कार्य सूफी कवियों ने किया था उसमें श्रेष्ठता प्रदान की तुलसीदास ने। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखा और मध्यकालीन साहित्य का काव्य भाषा ही बन गया। तुलसीदास ने इसके साथ साथ ब्रजभाषा को भी अपनाया जो आगे चलकर कृष्ण भक्ति साहित्य का एकमात्र भाषा रही, वो है ब्रजभाषा। तो भाषा की दृष्टि से और साहित्यिक सामग्री की दृष्टि से, युगबोध की दृष्टि से, राम के स्वरूप और चरित्र चित्रण की दृष्टि से
राम काव्य या राम भक्ति साहित्य अनमोल है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इसी प्रकार राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास हुए, नावादास हुए, उसमें ईश्वरदास हुए, किंतु तुलसीदास ही सर्वश्रेष्ठ रहे, बाकी कवियों छूट छिप गए छिटपुट। और एक सांप्रदायिक धारा चल पड़ी राम भक्ति की मधुर उपासना, कृष्ण भक्ति साहित्य से प्रेरित होते हुए राम भक्ति की एक धारा चल पड़ी मधुर। इसके बाद और जो समय है कृष्ण भक्ति साहित्य के परिचय से मैं समापन करूंगा। कृष्ण भक्ति साहित्य कृष्ण लीला का गायन, कृष्ण भक्ति कृष्ण को भगवान मानकर की गई भक्ति, कृष्ण भक्ति कृष्ण लीला में डूबने और कृष्ण को ही परब्रह्म मानकर उनके सानिध्य पाने का प्रयास कृष्ण भक्ति साहित्य है। इसका एक बहुत बड़ा मार्ग जो है ना वो क्या है, वो है पुष्टि मार्ग। इसमें दार्शनिक प्रभाव देखे जा सकते हैं, बल्लभाचार्य का प्रभाव तो है ही, कृष्ण भक्ति में बहुत से दार्शनिक और राम काव्य में बहुत से दार्शनिक मतों का प्रभाव रहा है, उसकी चर्चा प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर सकता हूँ, करूंगा भी। और कृष्ण भक्ति साहित्य में क्या है कि कृष्ण लीला का गायन, जिसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ है ना, सूरदास परमानंद दास, कृष्ण दास, कुंभन दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी आदि, मीरा रखान तो उसमें जुड़ेंगे, ये सब कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्ति के साहित्य जो कृष्ण लीला गायन है वह तो आपके सामने हिंदी में है ही है, मैं सूरदास की चर्चा करता हूं। कृष्ण लीला गायन, कृष्ण को परब्रह्म मानकर, कृष्ण को एकमात्र आराध्य मानकर, उसके लीलाओं में डूबना, उसके लीलाओं के विभिन्न प्रसंगों को, विभिन्न तत्वों को लेकर तात्विक बातें करना, किंतु प्रेम की प्रधानता देना, उन्हें प्रेम के माध्यम से पा सकते हैं। जहां राम भक्ति साहित्य मर्यादा की बात करती है, प्रेम की बात करते हुए भी मर्यादा की बात करती है कविता, उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति साहित्य है वह केवल प्रेम की ही बात करता है, प्रेम को ही महत्व देता है। तो कृष्ण लीला का गायन, कृष्ण चरित्र का गायन, और किसमें, गीत शैली में, सब गीत है, सब गेय पद है, यहाँ छंद कम है, सब गेय है। और ये सारे जितने कवियों का नाम लिया सब अपने अपने स्तर पर गायक थे, सब गाते थे, भावना में गाते थे, और संगीतकार तो थे ही, संगीत की शिक्षा कहीं से ली न ली, किंतु अपने भीतर के संगीत को जगाते थे और आगे ये लोग अपना लीलादान करते रहे। उनका प्रचुर साहित्य हिंदी साहित्य में है, उसमें दो पक्ष सबसे उभर कर आया है। कृष्ण साहित्य में हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय साहित्य को एक नया रस दिया है, उस रस का नाम है वात्सल्य रस। रस शास्त्र में जो नवरसों का विधान है, कथन है, उसमें नया रस जुड़ गया सूरदास के वात्सल्य वर्णन को लेकर, वात्सल्य रस। हिंदी साहित्य के भक्ति साहित्य को देकर भक्ति रस की भी सृष्टि हो गई, किंतु वात्सल्य रस की सृष्टि करने वाले कृष्ण भक्त ही हैं। तो इसमें कृष्ण लीला का गायन है, वात्सल्य श्रृंगार का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, समग्र भ्रमर गीत जो है वो वियोग श्रृंगार का है। उसमें जो वियोग गोपियों का जो विरह वियोग वर्णन है वो अद्भुत है, अनुभूति की तीव्रता है, ये अनुभूति मूलक काव्य है। इसमें जो अनुभूति है वो अनुभूति आज भी मानव मात्र की अनुभूति, आज भी वही विरह हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रेम में हम सराबोर होंगे। और भाषा की दृष्टि से आगे मैंने कह दिया, ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और आगे काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया, समग्र रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा का साहित्य,
वहां ब्रज भाषा की बोलबाला रही। यह कृष्ण भक्ति साहित्य का देन है। कृष्ण भक्ति ने ब्रज भाषा को काव्य भाषा बनाया, उसमें गीत दिए, संगीत दिए, पद दिए। महाकाव्य की जो बात है उसी में महाकाव्यात्मकता है, चरित्र कथन उसी में निहित है। तो इसी प्रकार भक्तिकालीन साहित्य अपने आप में समृद्ध है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त साहित्य में जो प्रकृति वर्णन है, जो श्रृंगार वर्णन है, वियोग वर्णन है, कृष्ण के चरित्र का कथन, स्वरूप का वर्णन है, और मूल रूप से प्रेम की अनुभूति की तीव्रता का वर्णन है, वह अपने आप में अनुपम है। इसी प्रकार इसी एक घंटे के समय में विभिन्न पक्षों पर जो चर्चा हो गई, ये तो हो गई भावना में, और बोलते बोलते बहुत से पक्ष छूट गए होंगे। अब अनुरोध है हमारे विद्यार्थियों से, यदि कोई प्रश्न उनके मन में है और संयोग से, तो उस प्रश्न के माध्यम से हम कुछ फिर आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सर, उससे थोड़ा सा डाउट है कि वो जो सूफियों ने मनुष्य के चार विभाग स्वीकार किए हैं, वो जो है ना सर, नफ्स, रूह, कल्ब, वो थोड़ा डाउट है। और आप जो बोलते भगवान को पाने के लिए वो जो चार सोपान है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, वो थोड़ा डाउट है, ये दो थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए बहुत अच्छी बात है, सूफियों में ये नब्ज, रूह और एक क्या बोला, रूह, उसके बाद आपने क्या कहा? नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल का बुद्धि। हाँ। सूफियों ने मनुष्य के चार विभाग स्वीकार किए हैं, उसमें वो चार विभाग है, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल का बुद्धि, ये चार। हाँ। ये देखिए, इसे देखिए, इसे सूफियों के बाद जो मुस्लिम के सूफी संप्रदाय में, ये उनके धार्मिक सिद्धांत है, सूफियों के धार्मिक सिद्धांतिक पक्ष है, उन्होंने सिद्धांत ग्रहण किए हैं। जैसे ये शरीयत, मारिफत, तरीकत, हकीकत, ये जो ये सैद्धांतिक पक्ष है। जैसे बता देता हूं, नब्ज जो है वो हमारा शरीर है, वो हमारा हमारा विधान है, हमारा पहला पक्ष होता है। रूह जो हो आत्मिक पक्ष है, रूह आत्मिक पक्ष है, आत्मा, आत्मा परमात्मा का मिलन, वही आत्मा से ही प्रेम की पराकाष्ठा की बात, प्रेम की उत्पत्ति की बात कही गई है। और जो अक्ल जो है ना, बुद्धि जो है ना, वो नागमती के रूप में है, कहा गया है नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती जो है दुनिया की धंधा है, माया है, आदि है। मतलब वो किसी साधक को बौद्धिक दृष्टि से, उसको बुद्धि से गड़बड़ाना चाहती थी, किंतु नहीं, वो रूह में उसको, उस परमात्मा को पाने के लिए, ये सैद्धांतिक पक्ष है। इसकी चर्चा सूफी मत में और उनके सूफी मत में ये सब पाए जाते हैं। और इसी के समानांतर ये शरीयत, मारिफत, तरीकत और हकीकत, इसी के समानांतर है। हकीकत का अर्थ सत्य माना गया है, शरीयत का जो होता है शरीर माना गया है, जो नब्ज के साथ जुड़ती है, और मारिफत का, मार्फत का अर्थ है जो मार्गदर्शन वाला है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, ये मार्गदर्शन। और इसके बाद जो तरीकत है वो है संघर्ष पद है, उस संघर्ष में युद्ध भी हुए हैं, उस संघर्ष में क्या बोलते हैं, जो शत्रु हैं उनके साथ वो पथभ्रष्ट भी हो गया है, वो मार्ग से उसको क्या बोलते हैं कि उसके साथ रुकावट खड़ा करना चाहते हैं। तो ये वैचारिक बातें हैं, विचार हैं, किंतु इसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मा मतलब जो रूह है, रूह से हकीकत तक पहुंचना है, ये पद्मावत जैसे काव्य में इसको दिखाया गया है, तो इस प्रकार इसको समझना चाहिए। सर,
और एक क्वेश्चन है, ये जो कृष्ण भक्ति है और राम भक्ति है, दोनों तो भगवान है सर। कृष्ण भी भक्ति ईश्वर की तरह मानते हैं और राम को भी ईश्वर की तरह मान के जो मत व्यक्त करते हैं उसको राम भक्ति धारा बोलते हैं, लेकिन दोनों नाम एक है, मतलब डिफरेंस है, लेकिन एम उसका लक्ष्य ईश्वर के बारे में, उन दोनों में डिफरेंस क्या है सर फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है और अंतर नहीं होते भी अंतर। देखिए, ये अवतार बात की बात है। राम को थोड़ा सा अलग अवतार माना गया है और कृष्ण को अलग अवतार माना गया है। राम की लीलाओं को एक भिन्न ढंग से गायन किया गया है और कृष्ण लीला का गायन अलग है। देखिए, तो ये जो हिंदुओं की अवतार बाद है, राम और कृष्ण को एक अलग अलग अवतार के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए बाहरी अंतर है। किंतु राम कृष्ण ही तो विष्णु है, राम कृष्ण दोनों ही तो ईश्वर है, भगवान है, तो ये अंतर वहां नहीं रहता है। राम कृष्ण रूप में देखते हैं, कृष्ण राम रूप में देखते हैं। कृष्ण अपने आगे की कथा अगर कहते हैं तो राम के रूप में आगे थे और अभी कृष्ण के रूप में हुए, तो यही अंतर है। तो ये लीला गायन का अंतर है, चरित्र कथन का अंतर है, जो रामायण और भागवत या महाभारत में कृष्ण लीला के माध्यम से फैली हुई है। इसी अंतर के कारण राम भक्ति और कृष्ण भक्ति साहित्य में अंतर पाए जाते हैं। चरित्र कथन लीला गायन का अंतर है और उनकी भक्ति में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक है। और सर बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद सर आपका। विद्यार्थियों का भी, मैं पहले तो आपसे सर माफी चाहूंगा क्योंकि विद्यार्थियों ने प्रश्न बहुत पूछे हैं, तो मैं आपका समय आज कुछ ज्यादा ही लेने वाला हूँ। लगता है मेरे साथ विद्यार्थियों को भी आपको सुनना बहुत पसंद है और शुरुआत शुरू कर दिया है। जैसा अभी एक विद्यार्थी ने जो पूछा राम और कृष्ण में, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। एक दो बिंदु जो मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, जैसा सर आपने कहा ना अवतार, अवतार की बात, तो अगर हम उसे देखें तो हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि सर भक्ति काल से पूर्व, जब हम राम या भक्ति काल की बात करते हैं, जब भक्ति काल का आरंभ हुआ था, जब हम इतिहास को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, तो देखते हैं उस समय दो मत बट गए थे, सहसा वैष्णव एक मत होकर के आगे आए, वही आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे सहसा वैष्णव के बाद भी राम हो गए, भक्ति हो गए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते देखते हैं तो विभिन्न विभिन्न रूपों में, किसी ने कहा कि हाँ मैं ईश्वर को मानूंगा, जैसा ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी में देखते हैं, लेकिन मैं किसी मूर्ति को नहीं मानूंगा, वो भी ईश्वर पे ही, वो भी अवतार पे ही, ईश्वर पे ही यकीन रखते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा या खंडन करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं शुरुआत मतलब आदिकाल के हम देखे वहां से ही शुरू हो जाता है। प्रवृत्ति के दृष्टि से भक्ति काल को अलग रखा गया, नहीं तो आदिकाल के साथ भी उसका संबंध है और रीति काल के साथ उसका संबंध है। जी जी जी, भक्ति की प्रवृत्ति के दृष्टि से उसको समझने के लिए भक्ति काल का नाम दिया गया। इसका मतलब नहीं कि आज भी भक्ति के साहित्य नहीं लिखे जाते, लिखे जाते, आज भी लिखे जाते हैं। हाँ, जी सर। उसको भक्ति काल नहीं कह सकते। जी 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 सर, धन्यवाद सर। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अपने माइक को म्यूट ही रखें। मैं कुछ प्रश्न जो विद्यार्थियों ने चैट बॉक्स के माध्यम से पूछे हैं उसे मैं पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद भी जिस विद्यार्थी को डाउट हो अंतिम में समय दूंगा, अपने माइक को अनम्यूट करके सर से सीधे रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सर पहला प्रश्न एक सर ने किया है, डॉक्टर बेहरा सर, शायद आप जानते भी होंगे, लाल किला वाले, तो उन्होंने, जी जी सर, डॉक्टर विजय बेहरा, लाल किला में एक सर है सर। बहुत अच्छा, मैं नाम से जानता। जी हो सकता है सर, तो मैं एक प्रश्न पूछा था, शायद अभी हो नहीं हो, मैं सर को भी नमस्ते कहता हूँ, उनका प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। सर ने एक प्रश्न किया था कि भक्ति काल को रहस्यवाद काल भी कहा जा सकता है क्या? देखिए ये पक्ष, देखिए मैं कहता हूँ ना कि प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे आते हैं। मैं प्रश्नकर्ता को सबसे बड़ा मानता हूँ, प्रश्न नहीं करेगा तो उत्तर की खोज नहीं, कहते कहते बहुत से पक्ष छूट जाते हैं। तो जिसने भी प्रश्न किया है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है, उसको बहुत नमस्कार। देखिए रहस्य ये बात है, मैं थोड़ा सा, किसी का फोन आ रहा है, काट रहा हूं। हाँ हाँ, कट गया, तो आवाज जा रही, तो आवाज आ रही है? हाँ
आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। सर आप, यस सर, आप कहेंगे इसलिए आप सुनाई पड़ रही। हाँ, तो विजय जी को बहुत ही साधुवाद। देखिए, भक्ति काल में रहस्य भावना है ना, बा रहस्य बात। रहस्य क्या चीज है, रहस्य बात क्या है? देखिए मैं बता देता हूं कि भक्ति काल में जो आध्यात्मिकता है, भक्ति काल में जो धार्मिक या दार्शनिक मतवाद है, उसका एक उपखंड है रहस्य बात। और ये रहस्य बात दोनों प्रकार से है। इसके दो विभाजन समझने के लिए किया गया है, विद्वानों ने किया है। एक है साधना मूलक रहस्य बात और भक्ति मूलक रहस्य। एक साधना मूलक जो रहस्य बात है, जिसमें साधना के बारे में, जिसमें योग की बातें कही जाती है, जिसमें नारी साधना की बातें कही जाती है, जिसमें चक्र साधना की बातें कही जाती है, यानी कि योग साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, इंद्रिय संयम के माध्यम से, कुंडलिनी आदि शक्ति के जाना, उस परमात्मा तक पहुंचना। और दूसरा है जो प्रेम है, आत्मा परमात्मा के मिलन के माध्यम से एक होना। यानी कि कबीर का जो साहित्य है, जो रहस्यवाद के आधार पर कबीर के वाणियों को देखें, तो उसमें क्या है, आत्मा परमात्मा का प्रेम है। ये उनका भावनात्मक रहस्यवाद है। इसे भावनामूलक रहस्यवाद कह करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि भक्तिकालीन साहित्य को रहस्यवाद का साहित्य या रहस्यवाद के साथ जुड़े, तो अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। दिक्कत क्या होगी, उस रहस्य को समझने के लिए हमें रहस्य के भीतर तक जाना पड़ेगा, है ना। रहस्य रहस्य रह जाता है, मिस्टिक रह जाता है, राज राज ही रह जाता है, उसमें वो खुलापन हमको नहीं मिलेगा, उसमें स्थूलता नहीं आएगी, उसमें सूक्ष्मता ही सूक्ष्मता आएगी। इसीलिए भक्ति काल को रहस्यवाद का नाम नहीं दिया गया है। किंतु कोई अगर इसे कहता है कि ये रहस्यवाद का साहित्य है, तो वो भी अन्यथा नहीं है, उसे कह सकता है, क्यों नहीं कहेगा, उसमें है प्रेम ही तो रहस्यवाद है। आत्मा परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के प्राप्ति की जो मार्ग है, वो रहस्यवाद है। परमात्मा स्वयं एक रहस्य है, उस रहस्य का भेद पाना हमारे बस में नहीं है, ना भक्तों के बस में है। केवल इसमें दो मार्ग है, एक है ज्ञान का, एक है प्रेम का। इसी के माध्यम से उनके रहस्य तक हम पहुंच सकते हैं, उनका सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यवाद का सारांश यही है। इसलिए भक्ति काल को रहस्यवाद कह देना कोई बड़ी बात नहीं है, बात कोई अन्यथा नहीं है, भूल नहीं है, त्रुटि नहीं है, कह सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है सर, मुझे वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, मैं आपके सामने रखता हूँ। विद्यार्थी ने कहा है कि युगबोध में बाह आडंबर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलिए प्रश्न क्या है। उन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया, युग प्रश्न बना देता हूँ। जी सर, वो शब्द को या उसके अर्थ को शायद समझना चाह रहे हैं। बना देता हूँ, क्या युगबोध के भीतर बाह्य आडंबर आएगा, या युगबोध और बाह्य आडंबर में क्या अंतर है, या ये बाह्य आडंबर और युगबोध क्या है? ये देखिए, युगबोध के कई शब्द मैं देता हूं। एक है युगीन चेतना, दूसरा है सामाजिक जो बाह्य आडंबर, बुराई पाखंड आदि है, इसका परिहार, यानी कुरीतियों का परिहार। तीसरा है युगबोध, यानी कि उस युग में जो गड़बड़ियां हो रही थी, उस युग में जो प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास जो प्रचलित थी, उसको कवियों ने देखा कि नहीं, उसका ज्ञान उनको हुआ है कि नहीं, हुआ है नहीं तो क्यों कहते। देखिए मैं बता देता हूं, कवि जिस समय हो रहे थे उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। हिंदू में बाह्य आडंबर था, मुस्लिम में भी बाह्य आडंबर था। उनके बाहरी आडंबर को इन्होंने देखा है और समझा है कि नहीं, ये आडंबर होगा तो हम परमात्मा को नहीं पाएंगे, ये आडंबर होगा
तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उस आडंबर पर प्रहार किया। क्या है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। देखिए, ताते भली घर की चक्की पी सिखाए संसार। देखिए मुसलमानों को लगता है ना, कहा है कि कांकर पाथर चुनाई की मस्जिद लियो बनाए, ता पर चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बजरा हुआ। तो देखिए ये जो बाह्य डंबर है ये युगबोध के अंतर्गत आएगा, यानी कि युग की समग्र कमियां खामियां कभी दिखता है और उसी में जो कहने लायक है उसे कहता है और जिस पर व्यंग करने लायक है उसको कर लेता है। तो इसलिए युगबोध दोनों में दोनों एक ही है। और जी सर धन्यवाद, सर विद्यार्थी ने भी धन्यवाद कहा, उनका डाउट क्लियर हो गया। जी सर, एक चीज मैं विद्यार्थियों का एक प्रश्न लेने से पहले एक चीज मेरे बार बार मेरे जहन में आ रहा है, ध्यान में मैं उसे रखूंगा। मैंने सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सच कहूं तो मैंने कहीं पढ़ा था, जब हम बात करते हैं ना नाद साहित्य की, आदि काल की बात करते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं, बीच में जो संत काव्य जब हम देखते हैं ना, संत काव्य की धारा, वो हम देखते हैं आदि काल में भी रही है, चाहे सिद्धों के में हो चाहे नाथों में हो, उस युग में भी रही है, भक्ति काल में आते हैं तो यहाँ भी रही है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की जो कड़ी या जो संप्रदाय है वो कौन सी है, तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि निरंजनी संप्रदाय एक है, वो उन दोनों के बीच की धारा है, तो इस पे मैं सर थोड़ा समझना चाहूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, इसको मैंने भी पढ़ा है ना, मैं बता देता हूँ। ये निरंजनी शाखा व निरंजनी धारा, ये हरि प्रसाद द्विवेदी का जो नाथ और सिद्धों का साहित्य उसमें इसका उल्लेख है, नाथ सिद्धों का साहित्य, यानी कि आदिकाल के बाद उन्होंने एक साहित्य लिखा नाथ सिद्धों का साहित्य, उनके बहुत सारे लेख उसमें, उस निरंजनी धारा का उल्लेख उसमें है। इसका उल्लेख राहुल संकीर्तन ने भी किया है, सिद्ध साहित्य किया है, और विभिन्न इतिहास ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, किंतु इसका विस्तार नहीं मिलता है, विस्तार मिलता तो आज जरूर हम लोग पढ़ते है ना। विस्तार इसलिए नहीं मिला कि नाथ पंथ जिस प्रकार सिद्ध साहित्य से विकसित होकर सिद्धों से मत लेकर और अपने गुरु को भी ग्रहण करके नाथों ने एक अलग धारा चलाई, और उसमें एक जानते हैं एक क्या बोलते हैं कि बहुत बड़े संत हुए, नाथ हुए, जिसका नाम है गोरखनाथ। तो उन्होंने नाथों का चलाया। निरंजनी संप्रदाय में एक नाम मिलता है जो सीधे संत साहित्य से जुड़ते हैं, उसका नाम है हरिदास निरंजनी, उसे हरिदास के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हरिदास ही निरंजनी पंथ के प्रवर्तक थे जो संत साहित्य में जुड़े हैं, संत साहित्य में उनका नाम आता है। जैसे मैं बता देता हूं, एक कंफ्यूजन व एक द्वंद्व आता है नानक को लेकर। नानक को सिख संप्रदाय के प्रवर्तक मानते हैं और नानक को हम लोग संत साहित्य में रखते हैं, कबीर के बाद नानक आते हैं। तो क्या हुआ है, हिंदी जो संत साहित्य का विकास हुआ है इसमें निरंजनी संप्रदाय एक संप्रदाय होते हुए भी संत साहित्य में जुड़ गया है। जब जुड़ गया है तो उसका अपना अस्तित्व, अपना जो विशालता है, जो व्यापकता है, उसको खो दी है और संत के रूप में आ गए हैं। यही वो कारण है, नहीं तो बीच में निरंजनी संप्रदाय आया है और हरिदास निरंजनी इसके प्रमाण है, और हरिदास संत है और निरंजन भी है। और निरंजन का जो स्वरूप कथन है ये तो ज्ञान मार्ग में हुआ है, अलग निरंजन। हमारे भारतवर्ष में नहीं, उड़ीसा में देखिएगा, आपके संबलपुर जिला में हमारे भीमा भोई हुए, वो तो निरंजन बनती है, अलग निरंजन। संबलपुर के वहां देखिए, जाइएगा आपके पास है ना, तो वो जो उनका जो गादी है महिमा गादी, ये तो निरंजन बनती। हरिदास निरंजनी का प्रभाव इस पर बहुत पड़ा है, शोध भी हुआ है।
तो आपका कहना बहुत सही है, हमको बहुत सामग्री नहीं मिली, उसका विस्तार नहीं हुआ, किंतु नाथ पंथ के बाद एक नाम निरंजन पंथ के नाम में आया है, फिर संत में आया है, यह साहित्यिक प्रमाण है। जी 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 सर, यह द्वंद्व अपने आप में अगर बात करें, यह द्वंद्व कुछ ऐसा ही है जब हम रैदास और मीरा की बात करते हैं, जहाँ रैदास को हम देखते हैं वो संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि रहे, जी वही कृष्ण भक्ति जी काव्य रहे हैं, लेकिन दोनों में शिष्य गुरु और शिष्य का संबंध है, दोनों की धाराएं संबंध है। अलग अलग धाराओं का विवेचन करते हैं, बात करते हैं, स्वयं में बहुत विराट है, लेकिन देखते हैं दो जी अलग हाँ धारा के आकर के एक शिष्य और गुरु के रूप में आकर के जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात निरंजन संत हरिदास निरंजन के साथ भी हुई है। जी जी सर, आगे बढ़ते हुए सर, मैं एक विद्यार्थी ने प्रश्न है, निर्गुण और सरगुण में क्या फर्क है? पिछली कक्षा में शायद किसी ने एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था। हाँ, बहुत ये सरल है। निर्गुण देखिए, निर्गुण गुण रहित आकार रहित, सगुण गुण सहित आकार सहित। निर्गुण और सगुण में यह बाहरी अंतर है कि निर्गुण दिखाई नहीं पड़ता है, उसका गुण नहीं है। रेख न गुण जाति जुगत बिन निरालंब जेहु ध्यावे, यानी कि जिसका रेख नहीं है, जिसकी जाति नहीं है, जिसका गुण नहीं है, जो जिसका कोई अवलंबन नहीं है, वह निर्गुण है। और सगुण जिसका एक आकार है, जिसका एक गुण है, जो रोता है, बिलखता है, हमारे मनुष्य के समान जीता है, संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से परे भी हो जाता है, जो दिखाई देता है, वही सगुण है। राम कृष्ण हमको दिखाई देते हैं, उनके आकार हैं, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, ये सगुण कहलाए। और वही ईश्वर जो निरंजन हैं, आंखों से ओझल हैं, कण कण में हैं, किंतु दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं पड़ती है, वो निर्गुण है। ये बेसिक अंतर है। जी सर, जी सर, निर्गुण और सरगुण से आगे बढ़ते हुए सर, एक विद्यार्थी ने, मैं आपको इसमें थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लूंगा, मैंने इसलिए शुरू में आपसे माफी मांग ली, क्योंकि विद्यार्थियों को आपको सुनना, मुझे जहां तक लगता है, मेरे साथ साथ विद्यार्थियों को भी बहुत रुचिकर लगता है आपको सुनना, इसलिए प्रश्नों के कॉन्टेक्स्ट बहुत में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो एक विद्यार्थी ने प्रश्न हाँ कृष्ण काव्य के बारे में, मतलब वो थोड़ा सा और थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कृष्ण काव्य के हाँ बारे में, वो थोड़ा जानना चाहते हैं कि कृष्ण काव्य क्या है, उसके बारे में उसको कभी। देखो, ये सब है। कृष्ण काव्य की लंबी परंपरा रही है। कृष्ण काव्य, हिंदी कृष्ण काव्य के आगे संस्कृत का बहुत बड़ा कृष्ण काव्य है, बता देता हूं, जयदेव का काव्य, उसके आगे हिंदी में जोड़ता हूं विद्यापति का काव्य, वो भी कृष्ण काव्य है, विद्यापति पदावली कृष्ण चरित्र है। तो कृष्ण काव्य में बहुत सारे संप्रदाय भी आकर जुड़ गए, वल्लभ संप्रदाय, निंबार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय, हमारे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय कृष्ण लीला में जुड़ गए। और हिंदी कृष्ण भक्त साहित्य इन सभी संप्रदाय को लेकर, सांप्रदायिक मतों को लेकर लीला गायन को आगे बढ़ाया, और उसमें संप्रदाय के दीक्षित कवि भक्त भी रहे और संप्रदाय रहित भी कवि भक्त रहे। जैसे संप्रदाय में दीक्षित अष्टछाप के सभी कवि संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवि हैं। संप्रदाय से रहित दो कवि केवल हैं, मीरा और रसखान, जिसका कोई संप्रदाय नहीं है, अलग अलग, किंतु ये कृष्ण लीला के गायन करने वाले कवि हैं। तो कृष्ण काव्य विशाल है, कृष्ण काव्य सांप्रदाय संप्रदाय कृष्ण संप्रदाय, और कृष्ण लीला का जो संस्कृत का साहित्य है और हिंदी की जो प्रांतीय भाषा, जैसे विद्यापति की पदावली आदि से प्रभावित प्रभाव ग्रहण करते हुए हिंदी में आया, और उसमें सूरदास उन भागवत कथा जो है, जो श्रीमद् भागवत कथा, उड़ीसा में जो जगन्नाथ का भागवत श्रीमद् भागवत है, उसी कथा, उसी को लेकर के, सूरदास पहले हुए तो उसी को लेकर के भागवत कथा से सामग्री लेते हुए भागवत कृष्ण लीला का गायन किया। वही गायन,
उनके अनुयायियों ने भी किया, कृष्णदास ने, परमानंद दास ने, गोविंद स्वामी सभी ने किया, और ये अनुयायी कृष्ण भक्त कहलाए। इन्हीं का साहित्य कृष्ण काव्य या कृष्ण भक्ति साहित्य है। एक तो कृष्ण भक्ति के कवियों के बारे में आपने सुना, कृष्ण भक्ति साहित्य का की प्रवृत्ति जो क्या है, प्रवृत्ति क्या है, कृष्ण को परमात्मा मानना, कृष्ण ही परब्रह्म है, कृष्ण ही भगवान है, और उनके लीला गान के माध्यम से हम उनके सानिध्य प्राप्त, इसीलिए वो लीला बता रहे हैं, इसलिए संतों ने, भक्तों ने लीला गायन किया। तो कृष्ण लीला का वर्णन, कृष्ण लीला का वर्णन होगा तो श्रृंगार का वर्णन होगा, श्रृंगार का वर्णन होगा तो मिलन का वर्णन होगा, संयोग श्रृंगार का वर्णन, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। जहां तक राधा कृष्ण का प्रेम है, राधा कृष्ण वृंदावन में थे, सब लीला करते थे, श्रृंगार रस का वर्णन है, और वृंदावन छोड़ के चले आए तो गोपियां विरह व्यथित हो गई, तो उनका वर्णन वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और सब गेय शैली में ब्रजभाषा को संगीत दिया है, अब ब्रजभाषा में मधुरता जो आई है कृष्ण लीला के माध्यम से आई है। ये दो बड़ी विशेषता है, अपने युग को हर कविता में देखी जा सकती है। उस समय कृष्ण लीला के माध्यम से अखंड भारत वर्ष को, पूरे भारतीय जनमानस को बांधना, ये उनका उद्देश्य था। आज भी कृष्ण के माध्यम से हम सब बंधे हुए हैं, यही उसकी विशेषता है। तो ये कृष्ण लीला के बारे में है, कृष्ण काव्य के बारे में। जी सर धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न एक विद्यार्थी पूछते हैं, लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है, मतलब उनका ये कहना है। जी सर, विद्यार्थियों ने एक प्रश्न जो लिखा है मुझे बहुत रोचक लगा, उसमें वो लिखते हैं कि लौकिक में तो अलौकिक होता है ना सर, तो लौकिक और अलौकिक कैसे एक दूसरे से भिन्न है, विद्यार्थी का प्रश्न। बहुत अच्छा उस विद्यार्थियों को धन्यवाद। देखिए, लौकिक और अलौकिक, इसमें केवल शब्द का हेर फेर थोड़ा मैं कर देता हूं, समझ में आएगा। लौकिक शब्द बना कैसे है, लोक शब्द से बना है, लोक, लोक का अर्थ है जगत, यानी कि जो इस लोक में है वह लौकिक है, जो इस लोक से परे है वह अलौकिक है, यानी कि अलौकिक जो हमारे दृश्य जगत से परे है, ऊपर है, वो अलौकिक है। लौकिकता से परे जो है वो अलौकिक है, और लौकिक जो इस लोक से जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारे सारे संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है, वह लौकिक है। इसलिए कृष्ण का या राम का दो रूप है, लौकिक रूप जो हमारे लोक से जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे जीवन जीते हैं, हमारे समान विचार बा हमारे समान बातचीत करने वाले, संघर्ष करने वाले दिखाई देते हैं, प्रेम में मर्यादा में डूबने वाले, ये लौकिक है। और इनका एक अलग स्वरूप है जो हम साधारण जन नहीं समझ पाते हैं, हम चमड़ी की आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो अलौकिक है। तो विद्यार्थियों का प्रश्न है, जैसे हमारे भीतर आत्मा है, उस आत्मा को हम अनुभव करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, वो आत्मा अलौकिक है, किंतु हमारा शरीर जो है हम देख पाते हैं वो लौकिक है। इसलिए शरीर को कष्ट होता है, लौकिक ईश्वर को कष्ट होता है, अलौकिक ईश्वर को नहीं होता है। हमारे शरीर को कष्ट होता है, हमारी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये लौकिक और अलौकिक में फर्क है, और अलौकिक ही लौकिक में है, बस यही इसका उत्तर है। जी सर एक विद्यार्थी कहते हैं कि सूफी रहस्यवाद के ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ा कुछ समझा दे। हाँ, बहुत बढ़िया। सूफी, देखिए, रहस्यवाद का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम की परिकल्पना, इसको कहते हैं रहस्यवाद। परमात्मिक प्रेम की परिकल्पना, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेम के माध्यम से हो, इसको कहते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद का एक अर्थ यह है कि रहस्यवाद वह है जो हम सामान्यतः
सामान्य और साधारण दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं वह रहस्यवाद है। रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद प्रेमात्मक व प्रेम मूलक रहस्यवाद, भक्ति मूलक रहस्यवाद। तो सूफियों की बात जहां तक है, सूफी साधक माने गए। सूफियों ने साधना की, जैसे हमारे योग साधना करते हैं ना, वैसे सूफियों की साधना क्या साधना है? प्रेम की साधना। जिस प्रकार हमारे यहाँ योगी बन जाते हैं, उस प्रकार सूफी में भी योगी बन जाते हैं। देखिएगा, रत्नसेन को जायसी ने क्या किया है? योगी बना दिया है, सारी सांसारिक बाधाओं से उसको परे कर दिया है, फकीर बना दिया है। जब उसमें फकीरी आई तब उसको हकीकत तक पहुंचाया गया है। सूफियों की साधना यही है। सूफियों की साधना परमात्मा प्राप्ति की साधना है, और उस प्राप्ति का मार्ग जो है प्रेम का मार्ग है। उस प्राप्ति के लिए जो मार्गदर्शक है वो गुरु है, वो तोता हीरामन है। वो कोई सूफी साधक ही किसी साधक को मार्गदर्शन करा सकता है जो जानता है परमात्मा क्या है। तो ये बात है सूफी रहस्यवाद। सूफियों के बारे में यह प्रचलित है कि जो मक्का मदीना का जो चबूतरा है ना, उस चबूतरे में सफेद साफा पहनने वाले कुछ ऐसे साधक बैठे रहते हैं जो प्रेम के माध्यम से उस परवरदिगार की अनुभूति करते हैं, उसकी साधना करते रहते हैं। तो सूफी रहस्यवाद यह कहता है कि प्रेम भी एक प्रकार इबादत है, प्रेम ही हमारी साधना है, और उस इबादत के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से हमें जो परवरदिगार है, जो खुदा है, उसकी प्राप्ति होगी। उसे हम देख सकेंगे, उसे पा सकेंगे, और उसे जब देखेंगे तो फिर हम फकीर बन जाएंगे। हम में कुछ नहीं रहेगा, अंतर नहीं रहेगा, हमारी आत्मा उसमें लीन हो जाएगी, इसलिए उसके दर्शन की कामना होती है। देखिएगा, रत्नसेन पद्मावती को देखने के लिए लाया गया था, उसके दर्शन हुए किंतु उसकी प्राप्ति नहीं, उसको नहीं पाया, उसको देखा, देखकर वो अपना सब कुछ भूल गया, सांसारिकता भूल गया। यही है सूफी रहस्यवाद। ठीक जी सर, धन्यवाद सर। सूफी रहस्यवाद या सूफीवाद की बात करें, स्वयं में सर बहुत अनोखा सा है, जो मुझे लगता है जब हम लोग, जी सर, जायसी की भी बात करते हैं, प्रेमाश्रय काव्य धारा में जायसी की बात करते हैं, जहां वो पद्मावत या अखरावत या आखिरी कलाम जैसे अपने पुस्तक लिखते हैं, तो उसमें भी से देखिए एक बहुत अच्छी चीज क्या लगती है कि वो पद्मावत जहां वो लिखते हैं, तो वहां पे नारी की सुंदरता को वो प्रेम के रूप में दर्शाने का एक काम करते हैं, जो आज के साहित्य से बहुत ही अलग रहेगा। आज के साहित्य में देखिए, अगर आज के साहित्य में कोई नारी के ऊपर लिखता है तो वो नारी को वो प्रेम के, मतलब जो अगर मैं एक तरह से कंपैरिजन की बात करूं तो मलिक मोहम्मद जायसी ने एक नारी के ऊपर एक पद्मावत एक पूरा इतना बड़ा काव्य लिख दिया, लेकिन उस सुंदरता से प्रेम के मार्ग को दर्शाते हुए, जो आज के काव्य जल्दी देखने को नहीं मिलता है सर। नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं है कि उसमें उसमें अलौकिकता की बात कही गई है, जो अभी अभी अलौकिकतावाद है ना, उसमें पद्मावती अलौकिक सुंदरी है, अनिंद्य सुंदरी है। उनका उनके सुंदर की परिकल्पना केवल किया जा सकता है जी सर, और उसे जो किया है वो तो स्वयं ही जैसी ने किया है जी, और उसको उसके माध्यम से हम फिर परमात्मा तक पहुंच गए हैं जी सर। एक बहुत आज का मैं कहूं तो आज के दिन में एक सबसे बेहतरीन प्रश्न एक विद्यार्थी ने जो किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लिखते हैं कि भक्ति काल एक लंबा समय पार करता है, चाहे हम साहित्य की दृष्टि से देखें चाहे कवियों की दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टि में सबसे एक लंबा समय पार करता है। तो इस संदर्भ को कहते हैं सर स्पष्ट करके थोड़ा सा अगर हो सके तो समझाने का कि भक्ति काल एक लंबा समय पार करता है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, हम कुछ आधार मान करके उसको समय
में बांधने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी कह चुके हैं कि साहित्य की धारा जो है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप उसको विभिन्न काल खंड में विभाजित किया जा सकता है, नहीं तो साहित्य की धारा अनवरत प्रवाहित है, उसे भाग करना, उसे विभाजन करना कठिन है। इसी क्रम में जो भक्ति काल है वा भक्ति की धारा को एक काल तक सीमाबद्ध करना कठिन है। जैसे 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक ही भक्ति काल मानना यह एक कठिन बात है, किंतु इसी समय की अवधि में भक्ति की प्रवृत्ति सर्वाधिक रही, इसलिए हम लोगों ने उसको भक्ति काल कहा। भक्ति की प्रवृत्ति की सर्वाधिकता अधिकता के कारण उसका नाम दिया गया भक्ति काल, नहीं तो यह हिंदी साहित्य के आदि काल से आज तक भक्ति की धारा नहीं सूखी है। आज भी हिंदी साहित्य में भक्त कवि हैं जो लिखते हैं, भले ही उसके साहित्य के जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग में हम नहीं देख पाते हैं, किंतु भक्ति की कविता आज भी लिखी जा रही है। तो इसीलिए इस प्रवाहमान धारा को देखते हुए भक्ति काल को केवल 1318 से लेकर 1643 तक बांधना यह उचित नहीं है, किंतु अगर नहीं बांधेंगे तो हम फिर क्या कहेंगे, किस काल को भक्ति कहेंगे? भक्ति काल ही मिट जाएगा, भक्ति काल होगा ही नहीं। इसीलिए जिन साहित्य की विशिष्ट प्रवृत्तियों को ध्यान देते हुए उस प्रवृत्ति की प्रचुरता अधिकता व्यापकता को देखते हुए उसको सीमाबद्ध कर दिया गया है, नहीं तो भक्ति की प्रवृत्ति आज भी चल रही है और चलती रहेगी। उसमें अलग अलग मार्ग होंगे। देखिए मैं बता देता हूं, क्या हमारे जो उड़िया साहित्य में भीमोभोई का साहित्य जो है वो भक्ति का मार्ग नहीं है? चलिए भीमोभोई तो बहुत पुराने हो गए, गंगाधर की जो कविताएं हैं भक्ति की कविताएं हैं, क्या वो भक्ति काल भक्ति का साहित्य नहीं है? तो सभी साहित्य है, छोड़िए हलधर नाथ की साहित्य जो है, जो समलेश्वरी के ऊपर लिखा गया है, श्री समलई समलपुरी में, वो भी भक्ति साहित्य है, उसमें समले के प्रति भक्ति है उसकी। तो हिंदी की बात अगर किया जाए तो हिंदी साहित्य में भाषा के अनुरूप आज खड़ी बोली में लिख रहे हैं, किंतु भक्ति साहित्य लिखा जा रहा है उसकी प्रचुरता नहीं है। अपने समय में 1318 से लेकर 1643 तक सभी कवियों के वाणी में एक ही स्वर निकलता था, वह है भक्ति, इसलिए उसको समय भक्त किया गया है। नहीं तो साहित्य की प्रवृत्ति को समय में बांधना कठिन है, उसे बांधा ही नहीं जा सकता है। इसका उत्तर यही मैं समझ रहा हूं। जी सर, निश्चित रूप से। अंतिम में दो प्रश्न लूंगा, उसके क्योंकि सर समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं जानता हूँ आपके लिए भी बहुत ज्यादा समय समय तक रख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। देखिए इससे मुझे खुराक मिल रहा है। इससे कुछ प्रश्न सर रखता हूँ, उसके बाद विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का आमंत्रित करूंगा सीधे आपसे प्रश्न करें। दो प्रश्न, पहला प्रश्न छोटे छोटे दो प्रश्न है, एक रखता हूँ कि प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में क्या अंतर होता है, विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है, तो सर मैं उसी में जोड़ देता हूँ क्योंकि छोटा एक सवाल है उसी से जुड़ मिलता जुलता। और एक पूछते हैं दरबारी कवि क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। दरबारी कवि जी सर, पहले प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में क्या अंतर है इसे समझाइएगा, उसके बाद फिर सर दूसरा प्रश्न है दरबारी कवि क्या है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे।
बहुत। अरे देखिए ये सब विद्यार्थियों को ये सारी शंका, हम भी विद्यार्थी जीवन में ये सबको नहीं समझे थे तो इसीलिए विद्यार्थियों का भ्रमित होना बहुत लाजिमी है। कहना चाहता हूं पहला जो प्रश्न है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में क्या अंतर, यही ना? जी सर। देखिए मार्ग का अर्थ है रास्ता, जिस में ज्ञान के रास्ते में चलने की प्रवृत्ति है वो ज्ञान मार्गी हो गया। प्रेम मार्गी जिसमें प्रेम के रास्ते चलने का मनोबल है वो प्रेम मार्गी हो गया। ये मूल अंतर है। अच्छा एक अंतर यह है कि ज्ञान जो होता है उसमें अपना बल होता है, अपने बलबूते वो चलता है ज्ञान से, क्योंकि उसको ज्ञान होता है, ज्ञान को पाथे मान करके अपने बलबूते पर चलता है। और प्रेम मार्ग क्या होता है, किसी के अवलंबन पर चलता है, किसी के सहारे चलता है। और एक अंतर है, ज्ञान मार्गी अकेले चल सकता है, प्रेम मार्गी अकेले नहीं चल पाएगा। अकेला चलेगा तो वो ज्ञान मार्गी कहलाएगा, प्रेम मार्ग में बहुतों को लेकर चलना पड़ता है, कम से कम अपने प्रियतम को लेकर चलना पड़ता है। और जो ज्ञान मार्ग है उसमें ज्ञान का बल होता है, वो ज्ञान के बल से अकेले समर्थ है उस परम ब्रह्म को पाने के लिए। ये मूल अंतर है ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग में गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम मार्ग में गुरु नहीं चाहिए, प्रेम मार्ग में हृदय चाहिए। अगर हम जिसको प्रेम करते हैं, हम किसी को किसी के कहे बिना, किसी के उसकाए बिना, किसी के बताए बिना उसको हम पा सकते हैं। तो प्रेम में हृदय का पक्ष प्रबल होता है, ज्ञान में भी हृदय का होता है, किंतु ज्ञान में विवेक का पक्ष, बुद्धि का पक्ष होता है। वो ज्ञान अनुभूत सत्य है, वो सत्य की अनुभूति अगर हो जाती है तो वो मिल जाता है। अब प्रेम जो है ये भावात्मक सत्य है, प्रेम का भाव हमारे भीतर जुड़ जाता है तो हम प्रेम मार्ग में चल सकते, ये उसका अंतर है। दूसरा प्रश्न है दरबारी कवि। दरबारी कवि का सीधा अर्थ है जो लोग राज दरबार में थे वो दरबारी कवि, दरबार में रहने वाला कवि दरबारी कवि, है ना। हिंदी साहित्य में बहुत से राज दरबार थे, आदिकाल से लेकर भक्ति काल से लेकर रीतिकाल तक कवियों को राज दरबार मिला है। आदिकाल में जो हमारे रासो साहित्य के कविगण हुए सब दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबार में थे। भक्ति काल में थोड़ा सा दरबार कम हो गया, भक्त सामान्य जन हो गए, किंतु भक्ति काल के अंत में एक कवि आते हैं जिसको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, केशव दास, उनको राज दरबार प्राप्त हुआ। शिव सिंह के दरबार में रहे तो ये हो गया। रीतिकाल के कवियों को सबको दरबार मिला, भूषण को शिवराज का दरबार मिला, 17 साल का दरबार मिला। तो इस प्रकार दरबार में रहकर कवियों ने जो कविता लिखी बा जो कवियों ने जो लिखा कहा उनको दरबारी कवि कह जाते थे। और हिंदी साहित्य में दरबारी कवि की एक बड़ी लंबी सूची है। रीतिकाल में बहुत सारे कवि दरबार में रहे, भक्तिकाल में कम रह पाए। जैसे देखिए कहता हूं कुंभनदास को दरबार मिला था किंतु नहीं, वो गए ने भक्तन को सिकरियों से क्या काम। उनको सिकरी मिली थी किंतु सिकरियों नहीं गए। कुछ भक्त हैं जो कवि भी हैं, मैं एक बता देता हूं, रहीम को सिंहासन मिला। सिंहासन मतलब अकबर के जो रत्न थे नवरत्न, उसमें रहीम का नाम था।
वो कवि भी है भक्त है, किंतु वो दरबारी कवि इसलिए नहीं है कि वो उसी संप्रदाय से उसी से जन्मा है, बरम खान का पुत्र रहा। इसलिए जेतु भक्त कवि किसी दरबार में नहीं, तो फकीर थे ये, तो भक्त थे, इनको आराम का महलों में रहने का क्या काम है, संतन को सिकरी से क्या काम। तो इसलिए ये दरबारी नहीं हुए, नहीं तो साधारण अर्थ है जो कभी राज दरबार, जैसे बिहारी जयसिंह के दरबारी कभी थे, बिहारी को आमंत्रित किया गया, बिहारी रह गए, कविता भी लिखी, तो ये दरबारी कभी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा कि अगर उनके कोई द्वंद्व प्रश्न हो तो वो सीधे सर से पूछ सकते हैं अपने आप को म्यूट करके, पर एक एक करके, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो एक साथ देंगे तो दिक्कत होगी सर। आप लोग शाम तक पूछिए, हम जवाब देंगे। विद्यार्थी अगर इच्छुक हो कुछ पूछने को तो अपने माइक को अनम्यूट करके सर से सीधे प्रश्न कर सकता है। आप जितना पूछना है पूछिए, है ना, मेरे ही भाई बहन सब है, पूछिए जितना पूछना है। किन्हीं विद्यार्थियों को कुछ द्वंद्व हो कुछ पूछना हो तो वो सीधे सीधे सर से पूछ सकते हैं, या तो आज की कक्षा को फिर मैं समाप्ति की ओर लेकर जाऊंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है सर का, कुछ ज्यादा ही समय हम लोगों ने ले लिया है। नहीं नहीं आपके लिए समय रखा हूँ, 2-3 बजे तक रखा हूँ। 2 बजे तक हमको जितना पूछना है पूछिए। अरे आपके प्रश्न रहेंगे तो फिर क्या होगा। जी जी जी, जी सर। अच्छा, इसीलिए लगता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से हमें अपने अध्ययन को बढ़ाना पड़ रहा है। सर ये बात तो है कि विद्यार्थी के रूप में जब हम लोग अपने आप को देखते हैं पीछे पलट के, तो हम लोग उतना ज्यादा बारीकी से नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब किसी को पढ़ाना होता है तो हमें 1-2-3-4 पुस्तकें उठानी पड़ती है ताकि एक समझ में कर सके। कि मैं तैयारी करके रहा हूँ, मतलब बिना तैयारी के नहीं आता हूँ। जी जी, ताकि आपके सामने आया हूँ। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि थे, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मुझे थोड़ा बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। यही है कि और कोई प्रश्न है? सर नहीं, यही है, मतलब वो ग्रामीण चेतना के कैसे कवि रहे, मतलब ग्रामीण के वो जो लोगों को कैसे समझाते थे भक्ति काल के विषय में, वही जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, तुलसीदास को हम ग्रामीण चेतना के कवि प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात है ये भाई, ग्रामीण चेतना क्या है इसको जानेंगे तब ना कहेंगे तुलसीदास ग्रामीण चेतना के कवि हैं। ग्रामीण चेतना का अर्थ होता है जो गांवों से जुड़ा हुआ है, गांवों से जुड़ा हुआ है, गांव में उसका जीवन पला भरा है, उसने गांव को देखा है, ग्रामीण संस्कृति से प्रभाव ग्रहण किया है और जीवन को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। अगर किसी कवि में इन सारी बातों का लेखा जोखा थोड़ा बहुत मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रामीण चेतना के कवि। जहां तक तुलसीदास की बात है, ए भाई, तुलसीदास एक गांव में जन्मे थे, राजापुर जैसे गांव में। तुलसीदास के माँ पिता दोनों गांव में, माँ तो गांव में ही मर गई, पिता ने गांव में ही त्याग कर दिया। गांव में दर दर घूमते हुए, पत्तल चाटते हुए तुलसीदास भिखारी के समान अपने टुकड़ों के लिए परेशान होने वाले तुलसीदास एक अत्यंत कष्टमय दुखद जीवन व्यतीत किए हैं, वो भी गांव में, वो कोई कहीं शहर नहीं आए। उनकी एक कविता याद आ रही है, पंक्ति,
मातु पितु जग जाहित जियो, विधि ही न लिखो कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कूकन टूकन लागी ललाई। कवितावली की यह पंक्ति उनके दुखद जीवन का चित्रांकन है, ग्राम्य संवेदना का चित्रांकन है। माता पिता ने जब मुझे त्याग दिया, मेरे लिए कुछ भी भलाई नहीं लिखी, मैं टुकड़े के लिए, कुत्तों के भांति टुकड़े के लिए मैं संघर्ष करता रहा, मैं नीच हुआ, निरादर रहा, और कहां रहा, गांव में रहा। कहा जाता है उसी गांव में मुनिया दासी ने उसको अपनाया, फिर उसी गांव के आसपास कोई शहर नहीं था, एक नरहरी दास के आश्रम में वो पले बड़े, और उनका विवाह भी एक गांव में हुआ, गंगा पार के एक गांव में, और एक ग्रामीण युवती से उसकी उसका विवाह हुआ। तो बताइए उनके जीवन में गांव की सारी बातें आई होंगी। एक कवितावली का उदाहरण देता हूं जिसको आज के संदर्भ में देखा जाता है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, है ना, और उसके आगे है चाकर को न चाकरी, आदि आदि लिखा गया है। तो खेती करने के लिए, किसान के लिए खेती नहीं है, तो ये किसान की बात शहर की बात नहीं है, गांव की बात है। रामचरितमानस में सीता का मिलन गांव की युवतियों से होती है, श्रृंगवेरपुर की युवतियों के साथ, कोल भील की युवतियों के साथ जो मिलन, राम सीता का मिलन जो होता है, वो क्या है, वो ग्रामीण चेतना है। तो रामचरितमानस में जहां जहां गांव के प्रति झुकाव है, वहां तुलसीदास की ग्रामीण चेतना बोलती है। तुलसीदास ने अपने जीवन में गांव को देखा, भोगा, अनुभव किया, उसकी संस्कृति से परिचित हुआ, गांव के जो अपवाद है उसको सहे, इसीलिए उनकी कविता में ग्राम में चेतना है। और इस दृष्टि से तुलसीदास को हम ग्रामीण चेतना के कवि प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए ग्रामीण चेतना शब्द तो शायद मैं आपसे सुन रहा हूं, तुलसीदास को कहते हैं लोगवादी कवि, लोगवादी कवि तुलसीदास, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लोगवादी तुलसीदास लिखा है। तुलसीदास लोक के कवि है, लोक सीधा गांव से जुड़ता है, उसमें लौकिक रीति रिवाज है, उसमें लोक के विश्वास अविश्वास की बातें हैं, लोक कथाएं हैं, और सबसे बड़ी बात तुलसीदास अगर चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, किंतु तुलसीदास ने लोक भाषा में काव्य लिखे, अवधी और ब्रज भाषा जैसे लोक भाषा को, और मंगल शैली, सोहर शैली जैसे लोक गीत के शैली को लेकर काव्य लिखे, इसलिए वो लोक चेतना या ग्रामीण चेतना के कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास ने पढ़ाई करने के लिए केवल काशी आए, तुलसीदास का अध्ययन काशी में हुआ, शेख सनातन उनके गुरु रहे और उन्होंने वर्षों तक वहां तपस्या की, किंतु फिर गांव की ओर लौटे और गांव से फिर आए, गांव से शहर, शहर से गांव। उस समय शहर तो नहीं था, वो सब केंद्र था, वहां शिक्षा दीक्षा आदि के अयोध्या में रहे, काशी में रहे, तो अयोध्या और काशी ये बड़ा बड़ा केंद्र था जो शहर था, किंतु उनका जीवन गांव से ही शुरुआत हुई है और गांव के संस्कृति को लिए हुए है, इसलिए उनको लोक चेतना के कवि तो कहते हैं, और इसी संदर्भ में उनको ग्रामीण चेतना के कवि कहे जा सकते हैं, जरूर वो ग्रामीण चेतना के कवि। जी सर, मैं विद्यार्थियों को एक किताब हो सके तो मैं क्या बोलते हैं रेफर करूंगा कि अमृतलाल नागर की जो मानस का हंस, जो तुलसीदास के प्रारंभिक मानस के हंस, वो बहुत पढ़िए, मानस के हंस है, पूरा उनका जीवन लिखा गया है। जी 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 उपन तुलसीदास लिखा है मानस के हंस। जी 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 और विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है लोकवादी तुलसीदास। हाँ 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 सर, हाँ सर, नहीं विद्यार्थियों को शुरुआत हल्की फुल्की नॉलेज हो इसलिए मैं विद्यार्थियों को वही मानस का हंस पढ़े, क्योंकि ये बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेजेस गांव है,
निराला के, निराला के तुलसीदास काव्य पढ़िए, उसमें गांव का चित्रण है। जी 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 सर, तुलसीदास गांव के हैं। अरे भाई जो गांव से जुड़े, जैसे मैं, अरे भाई मैं निपट गांव का ही, कादू कीचड़ वाला गांव का हूँ, है ना, अभी कलकत्ता में रहता हूँ। जी जी सर। और कोई विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो आमंत्रित है। ये अंतिम प्रश्न होगा, इसके अवसर में सर को भी आराम दूंगा और आपको भी आराम दूंगा। विद्यार्थियों कोई अंतिम प्रश्न पूछना चाहे तो। हाँ, साहित्य ऐसी चीज है ना बंधु, कि साहित्य के लिए आराम नहीं। आप जितना भी पूछेंगे उसके लिए उत्तर देना, इसमें आनंद आता है। उत्तर दे पाता है कोई भी अध्यापक उत्तर दे पाता है तो उसमें एक आनंद आता है। जी जी, और आनंद की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रकाश भी है मैं। हाँ प्रेम जी, अपना प्रश्न पूछिए सर से। हाँ, प्रेम प्रकाश नमस्कार सर। भारतीय प्रवासी साहित्य के अंतर्गत हाँ, जहाँ पे भक्ति को आज एक भक्ति की आराध्या माना जाता है, बहुत बढ़िया, और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार भक्ति को एक साधना माना जाता है, बहुत बढ़िया, इस परिदृश्य में सर आप क्या देखते हैं? इस परिदृश्य में भारतीय और प्रवासी साहित्य, भक्ति साहित्य को किस मध्यदृष्टि से देखते हैं सर? बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ी सीमा आपको बता देता हूँ। मैंने कम भारतीय प्रवासी साहित्य कम पढ़े हैं, बहुत नहीं पढ़े हैं। मॉरिशस के कुछ साहित्य पढ़े हैं, मॉरिशस के लेखक है ना, जो प्रवासी भारत के बाहर जो प्रवासी भारतीय हैं, उन लोगों ने जो साहित्य लिखे हैं उनके साहित्य हम पढ़े हैं, और बहुत सारे प्रवासी साहित्य को नहीं पढ़ पाए हैं। किंतु राम काव्य के संदर्भ में जब मैं गवेषणा कर रहा था, अनुसंधान कर रहा था, उस समय कुछ प्रवासी राम काव्य को देखने का अवसर मुझे मिला है, वही भक्ति साहित्य के संदर्भ में। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, राम कियन का उदाहरण है, त्रिदिनाथ का राम साहित्य का उदाहरण है, श्रीलंका की जो राम काव्य हैं उसके उदाहरण भी हैं, यानी जावा सुमात्रा आदि द्वीपों में राम कथा को लेकर जो काव्य लिखे गए हैं, जो साहित्य लिखे गए हैं, वे प्रवासी भक्ति साहित्य कहे जाएंगे, मैं इतना समझता हूं। उसके बाद प्रवासी साहित्य का वैसा बड़ा रूप मेरे नजर में वो रूप नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको नहीं बता सकता हूं। किंतु एक बात आपको बता रहा हूं जो आप भी स्वीकार कर सकते हैं, प्रवासी भारतीय भारत से एक बहुत बड़ा साहित्य को लेकर गए हैं विदेश, उस साहित्य का नाम है रामचरितमानस। बिहार के लोग जहां जहां प्रवासी के रूप में गए हैं उनके साथ रामचरितमानस गया है, और आज भी भारतवर्ष के बाहर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रामचरितमानस का गायन पारायण मंचन करते हैं। उसी रामचरितमानस से प्रभावित होकर जावा सुमात्रा इंडोनेशिया बाली आदि द्वीपों में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदी या भोजपुरी से मिश्रित जो भाषा है उस भाषा में उन लोगों ने जो साहित्य लिखे हैं, भक्ति साहित्य लिखे हैं, चाहे राम भक्ति के हो, चाहे अपने अपनी भक्ति ईश्वर की भक्ति के हो, वो प्रवासी भक्ति साहित्य कहे जाएंगे। इस संदर्भ में आपका जो कैसे हम देखते हैं, मेरी जो दृष्टि है ऐसा है कि भारत के रामचरितमानस जैसे साहित्य से प्रभावित होकर भारत के बाहर विभिन्न द्वीपों में रहने वाले प्रवासी भारतीय, भारत वंशज लोग
जो साहित्य लिखे हैं वह प्रवासी भक्ति साहित्य हैं। उनमें भाषा का अंतर है किंतु भावना में कोई अंतर नहीं है। उनमें शैली का अंतर है किंतु भावना में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, इंडोनेशिया के विभिन्न द्वीपों में, बाली बा विभिन्न द्वीपों में राम कथा का मंचन होता है। वहां की संस्कृति है राम कथा का मंचन करना, रामलीला मंचन करना। अब भारत में भी रामलीला के मंचन होते हैं। दोनों में भक्ति है, शैली का अंतर है, भाषा का अंतर है, अभिनय का अंतर है। तो ये प्रवासी भक्ति साहित्य के संदर्भ में मेरी धारणा इतनी है। उन साहित्य को और भी देख सकूंगा या देखूंगा तो मैं और भी बता सकता हूं। कृष्ण लीला को लेकर क्या करते हैं थोड़ा सा मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मेरी नजर में नहीं आए, किंतु गायन के माध्यम से, संगीत और गीत के माध्यम से भारत का जो भक्ति विषयक प्रभाव है उससे भारतीय या प्रवासी जो साहित्य है वो अछूता नहीं हुआ है, वो तो सब जगह है। मेरी धारणा इतनी है। प्रेम जी, प्रेम प्रकाश जी। धन्यवाद सर। राम कियन, राम कीर्तन आदि बहुत सारे हैं उसमें। राम कथा इसमें जानते हैं ना, इसमें कामिल बुल्के ने बहुत काम, बड़ा काम किया है। राम कथा बिल्कुल उसमें बिल्कुल, ये मैं उसी सारे, राज्य बोलिए। हूँ सर, जहां पे उन्होंने काम किया है उसी राज हाँ पे, मैं उसी राज का मैं निवासी हूँ सर। मैं जानता हूं भाई हम सब उसी राज्य के हैं, जी बोलिए। सर, हाँ अभिषेक जी 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 प्रेम भाई, ज्योत्सना साहू जी को धन्यवाद, प्रेम प्रकाश जी को धन्यवाद। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। जी सर, सर इसी के क्रम में सर मैं आज की कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? कोई सर ज्योत्सना साहू खुद को अनम्यूट किए हुए हैं। हाँ, ज्योत्सना साहू का नाम आ रहा है, पूछ सकते हैं, पूछिए। नहीं सर, धन्यवाद सर इतना सब कुछ बताने के लिए, और मेरा डाउट क्लियर हो गया। बस इसीलिए आप अच्छा धन्यवाद बोले तो इसलिए मैं अनम्यूट कर ली। अच्छा अच्छा नहीं, मैं आपका नाम आ रहा था। देखिए, आप सभी मुझसे इतनी आत्मीयता के दृष्टि से इतने आत्मीय हो गए कि मैं कभी भेंट होगी तो फिर बताऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो विद्यार्थियों को कि उनकी वजह से ही ये कक्षा या कोई भी कक्षा मुकम्मल हो पाती है। विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरी एक धारणा है हमारे उड़ीसा के। देखिए, मैं उड़ीसा का हूं, मैं उड़िया हूं, हमारी परिचिति है कि हम उड़िया हैं। तो बाहर के प्रदेश में रहकर उड़ीसा के विद्यार्थियों को किसी प्रकार उत्साहित करना, इससे मुझे लाभ हो रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। इसलिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हम तो बंगाल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, किंतु उड़ीसा के विद्यार्थियों में जो उत्साह है वो अपने आप में, उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रति और अन्य विषयों के प्रति उड़ीसा के विद्यार्थी बहुत उत्साहित हैं, बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय में तो रेगुलर विद्यार्थी भरे पड़े हैं। आपके इसी विश्वविद्यालय में, उड़ीसा ओपन यूनिवर्सिटी में, शताधिक विद्यार्थी होंगे जो उड़ीसा के कोने कोने में हैं और अभी जुड़े भी होंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगता है। जी सर, चलो ऐसे निरंतर आपका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे मेरे साथ और हमारे विश्वविद्यालय के साथ। आपका सर हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः आपको, अभी तो चूंकि दौर चल रहा है ऑनलाइन कक्षा का, मैं पुनः एक बार आपको फिर याद करूंगा।
भक्ति काल के आगे बढ़ती हूँ रीति काल पे एक कक्षा लेने के लिए। मैं आपको पूरा किसी भी समय डिस्टर्ब करूंगा, उसके लिए आपको पहले से कह देता हूँ। आप मेरा जितना सहयोग ले सकते हैं समय को देख करके, है ना, आप जितना मुझे उपयोग कर सकते हैं आपको पूरी छूट है। जी 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 सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को और मेरे मित्र प्रेम प्रकाश को, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मित्र प्रेम प्रकाश को धन्यवाद और विद्यार्थियों को धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो ऐसा है कि हमारा ध्यान भारत तक सीमित न करके भारत के बाहर भी ले गए जी प्रवासी भारतीय साहित्य पर, किंतु प्रवासी भारतीय साहित्य कहानी उपन्यास के माध्यम से ज्यादा आए, कविताएं आई, भक्ति काव्य आए होंगे जरूर, मेरी नजर में थोड़ा सा नहीं पड़ा है, मैं उस साहित्य को नहीं देख पाया हूँ, मैं देखूंगा। हाँ मेरा ध्यान देखिए वहीं तक ले गए। प्रेम प्रकाश जी को विशेष धन्यवाद। अरे हम पूरा विश्व से जुड़े हुए हैं जी सर, और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, उन्होंने अपना समय दिया। तुलिका मैम भी लगातार शुरुआत से बनी हुई है, जो हमारी रिसोर्स पर्सन भी है आने वाली आगामी कक्षाओं में, तो मैडम को भी धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज की कक्षा बहुत अच्छी है सर। आवाज नहीं आ रही है। इतना अच्छा हूँ तो स्वयं नहीं जानता हूँ, मेरी आवाज कैसी जा रही है, क्या हूँ मैं तो नहीं जानता हूँ। आप अगर अच्छा कहती है तो जरूर अच्छा हुआ होगा। नहीं सर, आपकी सर आपकी सर मतलब बहुत अच्छी कक्षा लगी, बहुत चीजें, बहुत मुझे जानकारी नहीं थी और बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली। और सर बताना चाहूंगी सर आपकी भाषा शैली की मैं कायल हूँ सर, बहुत अच्छा, अच्छा लगा सर आपकी मतलब कक्षा। बहुत धन्यवाद। ये मैं उड़िया हूँ, मेरी मातृभाषा उड़िया है जी, तो हिंदी के प्रति जो प्रेम है, मैं अभी भी हिंदी सीख रहा हूँ, हिंदी कहने की, हिंदी लिखने की, हिंदी में वक्तव्य देने की, पढ़ाने की शैली अभी भी सीख रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे ये सीखने का मौका दिया है। आप हमसे बहुत बड़े हैं, आप लोग इतना सीखने का मौका दे रहे हैं, इससे सीखने और सिखाने की परंपरा बरकरार रहेगी। आप सभी इस प्रकार जुड़े रहेंगे, मैं उत्साहित होता रहूंगा। सर मुझे लगता है सर आप बंगाल में हैं, काफी बंगाली बच्चे मेरी तरह आपसे लाभान्वित हो रहे हैं सर, उनका सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षक उनको इतने पास से और करीब से मिल रहा है। बहुत अच्छा, तुलिका विश्वास जी का नाम आ रहा है, आदमी है। ऐसा है कि यहाँ बहुत से विद्यार्थी हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी। मैं तो यहाँ वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हूँ जी सर, यहाँ का एक बहुत बड़ा कॉलेज है जी सर, कॉलेज जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी जानकर बहुत अच्छा अच्छा हुगली बोसिन कॉलेज सर जानकर बहुत अच्छा लगा सर। आप से हैं, मैं भी निकेतन से हूँ सर, तो इसीलिए काफी अच्छा लगा सर आप। हाँ, जरूर सियाराम तिवारी जी के अंदर में। हाँ हाँ मैं जी सर, इसीलिए उनसे भक्ति काव्य मैंने पढ़ा है जी सर। सियाराम तिवारी और शांति निकेतन बड़े स्वभाव जी सर, बड़े आपको सुनना हमारे लिए बहुत बात है सर। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है ना, बहुत आपकी आपकी आदर सर, आपको सुनना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सर। नहीं हम तो ऐसे विद्वानों से पढ़े हैं जो हम कुछ नहीं हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं है। प्रोफेसर राम सिंह तोमर, प्रोफेसर शिवनाथ, प्रोफेसर शालिग्राम गुप्त, सियाराम तिवारी, ये सब अपने अपने समय के स्वनाम करते थे, भक्ति काव्य यही लोग पढ़ाते थे। तो अभी तो सर अच्छा हैं, लगा सर आज की कक्षा मतलब काफी ज्ञानवर्धक। बहुत इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आप लोगों के कह देते हैं तो हम कुछ भी बोलने वाले अध्यापक नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ फिर आपके सामने आते हैं। अभिषेक जी ने हमें जी सर, वो बहुत ही जरूर आजकल ये इतना दुर्लभ हो गया है सर, इतना दुर्लभ हो गया है कि मतलब
कुछ सार गर्भित बात सुनने के लिए आजकल मतलब हर कोई कुछ भी बोल, बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, जो लोग बहुत लोग गवेषक है ये वो, उतने वो होमवर्क नहीं मिलती सर, तो वही मतलब काफी सारगर्भित मिला, मतलब आदमी पॉइंट नोट कर ले एकदम इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगा सर मतलब। नहीं बहुत इस प्रकार देखिए, ऐसे ही हमारे गुरुओं ने हमको ऐसे सिखाए, हमको इसी प्रकार, हमको तो सियाराम तिवारी सिखाए हैं कि बिना तैयारी से कुछ बोलना अपराध है, आप कुछ भी बोल देंगे ये अपराध। सही बात। मैं अभिषेक जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे तैयारी करने का मौका दिया, पहले से 10 दिन पहले से कहे हैं कि भक्ति काव्य होगा, तो मैं आपके लिए सरल कैसे बनाऊं, एक मेरा मेरी मनोवृत्ति थी, मैं पढ़ता रहता था कहां से कैसे कैसे बनाऊं, मैं देखता रहता था, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं सर। नहीं। अपने सवालों का जैसे जवाब दिया तो लगा कि बस आपको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, आप इतने मतलब आप आपका इतना ज्ञान है सर, तो ज्यादा तैयारी की सर जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान ही मिल जाए सर, हम जानते हैं मतलब दिन भर सुन सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है जी, अपनी कॉलेज की कक्षाएं लेते हैं तो भी तैयार होके जाते हैं, जानते हुए भी बहुत से बिंदु छूट जाता है, बोलते बोलते बहुत से बिंदु छूट जाता है, आप लोग प्रश्न करते हैं तो फिर याद आ जाता है, हाँ हाँ इस पर होना चाहिए एक सार्थक। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति महोदय को, अभिषेक जी को, एक सार्थक संवाद करवा रहे हैं, इसका इतिहास कहेगा, आगे कभी उड़ीसा में या भारतवर्ष में भेंट होगी तो आप लोग इतना याद आएंगे कहिए नहीं, हम भावुक हो जाएंगे उस समय, बहुत सार्थक संवाद, बहुत धन्यवाद, जो तो काम मिला है वो ईमानदारी से कर रहे हैं जी सर, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, हाँ बहुत अच्छा लगा, आप सभी को मेरी ओर से आंतरिक शुभकामना, हम लोग फिर मिलेंगे जी सर, जी सर। सर मैं पुनः एक बार का धन्यवाद करता हूँ, मैडम कुलिका का धन्यवाद करता हूँ, विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद सर मेरे टेक्निकल टीम का, रुद्र प्रताप दास सर का और देवाशीष बारिक सर का, कक्षा 11 से 12:30 की होती है, उसके बाद भी वो उतने पिछले आधे घंटे 45 मिनट से निरंतर मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम का भी, रुद्र सर और देवाशीष सर की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं और एक बात है, इसका मैं देख रहा है यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सारी बातों का रिकॉर्ड हो रहा है जी सर, इस कक्षा के उपरांत क्या है जितनी जरूरत होती है एडिटिंग करके, जो आपके जो लेक्चर रहेंगे उसे हम लोग अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड भी करते हैं, ताकि इसके अलावा अगर इसके इतर कोई बच्चा किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर कक्षा में सम्मिलित ना हो पाया, आपको समझ ना पाया, तो उसके वीडियो के माध्यम से भी वो लाभान्वित हो सके सर। बहुत अच्छा, इसका वीडियो हम लोगों को मिल सकता है क्या कभी? जी जी सर, आपकी पिछली कक्षा की शायद ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, अगर अपलोड होती है तो मैं लिंक आप रखे रहिए, कभी हम ले लेंगे, आप रखे रहिएगा। जी नहीं सर, वो तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड होगी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, नहीं कभी हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। जी जी निश्चित सर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सभी को धन्यवाद, आप देखिए, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप लोग अपनी कक्षाएं, आज की कक्षा समाप्त हो चुकी है, आप लोग अपने एंड से इस फोन को या इस लेक्चर को आप एंड कर सकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रुद्र सर, देवाशीष सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, रुद्र प्रताप दास जी को मेरी ओर से भी थैंक यू, है ना रुद्र प्रताप सर, रियली वेरी इंटरेस्टिंग सर क्लास, है ना, यू ऑल आर वेरी वेरी एनकरेजिंग पर्सन, है ना, ओके, टोटली टेक, रुद्र प्रताप दास देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी सर, धन्यवाद, अपने ओर से फोन काट सकते हैं सर। हाँ अब थोड़ा सा जानते हैं ना, मैंने खाना पीना तो बना लिया है, अब खाना खाने का समय है भाई जी 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 सर ठीक है।